अस्ति स्वस्तरुणीकराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी स्रस्त स्रस्त निवद्धनी विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम् हस्तन्यस्तनता पवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुने मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत की भूमि पर एक महाकवि का जन्म हुआ जिनका नाम था जयदेव महाप्रभु। महाकवि जयदेव ने अपनी अद्भुत कला से अपनी अद्भुत लेखनी से ठाकुर जी को प्रसन्न किया। मैं अपनी कथाओं में एक बात कहा करता हूं बंधुओं, व्यक्ति यदि अपने सुंदर गुण से जिससे वो संसार को रिझाने का प्रयास करता है, संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी गुण से यदि वो ठाकुर जी की सेवा करे तो निश्चित है कि ठाकुर जी उससे भजन से ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को नृत्य करना आता है, किसी को गाना आता है, किसी को कविताएं लिखना आता है, किसी को भोजन बनाना आता है, किसी को श्रृंगार करते हैं तो वो बहुत सुंदर लगता है। ये सारे गुण हैं, इन गुणों से हम दूसरों को रिझाते हैं, अच्छा बनाते हैं ताकि दूसरा प्रशंसा करे, सुंदर गाते हैं ताकि सब वाहवाही करें,
नाचते हैं ताकि सब लोग हमारे हमें प्रेज करें। अपने उसी सद्गुण को यदि आप ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत कर दोगे तो आपको नियम साधन हवन पूजन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी गुण से ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। और मैं तो ऐसा भी कह देता हूं कि नियम साधन व्रत आदि करने वाले लोगों से ठाकुर जी भले ही 10-15 साल बाद रिझेंगे, लेकिन अपने गुण से रिझाने जो रिझाने का प्रयास करेगा ठाकुर जी उससे जल्दी रिझ जाएंगे। तो जयदेव महाप्रभु बंगाल में हुए, बहुत अच्छे लिखते थे, उनको महाकवि कहा गया। तब उन्होंने श्री जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए वे कथा सुनते थे वैष्णवों की, और कथा सुनकर चिंतन करके उसी कथा में कुछ भाव सोचते थे कि ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी रहा होगा, ऐसा ऐसा भी ठाकुर जी ने किया होगा, और जो जो उनके चिंतन में आता उसको वो लिख देते। वही एक ग्रंथ बन गया जिसका नाम था गीत गोविंद। आज भी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी गीत गोविंद लिखे हुए वस्त्र को पहले पहनते हैं, फिर बाद में ऊपर कोई और वस्त्र पहनते हैं, अपने हृदय से लगा के रखते हैं। भक्तमाल जी श्री नाभा गोस्वामी जी जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, नाभा गोस्वामी जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति नित्य अपने घर के ठाकुर जी को गीत गोविंद गा करके सुनाता है तो ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे, निश्चित ठाकुर जी आएंगे। मैंने तो उसकी एक नई युक्ति बताई लोगों को कि आप अपने घरों में सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी सामने तो बैठे ही हैं एक विग्रह के रूप में, पर आप जहां बैठो ना बगल में एक आसन खाली रखो और ऐसा भाव रखो कि ठाकुर जी यहां बैठे और मैं उनको सुना रहा हूं। एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में आपको अनुभूति ऐसी होगी जब आप गीत गोविंद गाओगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ निश्चित ठाकुर जी बैठे हैं और थोड़ी पे हाथ रख के हमें सुन रहे हैं। जयदेव महाप्रभु का चरित्र जब भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी ने कहा, कितनी बार वर्णन किया कि गीत गोविंद कोई भी कहीं भी गाए निश्चित है कि जगन्नाथ जी जरूर जाते हैं सुनने। इसलिए जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को गीत गोविंद अंकित वस्त्र पहनाया जाता है कि ठाकुर जी कहीं मंदिर छोड़ के कहीं और चले नहीं जाएं, कहीं किसी ने गीत गोविंद गाया तो ठाकुर जी वहीं पहुंच जाएंगे, इतना प्रिय है। तो आज मेरा भाव था कि गीत गोविंद की एक अष्टपदी जो कि मैं गाता हूं हर कथा में लगभग, आज उसी अष्टपदी से हम प्रारंभ करें। आप सबके पास मोबाइल फोन है, गूगल खोलिए, गूगल पर जाकर के श्रित कमला गीत गोविंद की लिरिक्स निकालिए और मेरे साथ गाओ सब लोग। श्रित कमला गीत गोविंद और उसके लिरिक्स देखते हुए मेरे पीछे पीछे सब लोग गाइए। श्रित कमला कुछ मन ध्रत कुंडल ध्रत कुंडल कलित ललित बनुमाल जय जय देव हरे कलित ललित भवखंडन
हंस जय जय देव हरे मुनि जैन मानस जय। अच्छा एक विशेषता और बताऊं इस अष्टपदी की, ये जय जय देव हरे नहीं है, यह है जय जगदीश हरे। जयदेव महाप्रभु गाना तो चाहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन जयदेव महाप्रभु के भाव सुनकर के जगन्नाथ जी गाते हैं, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। तो ये जय जय देव हरे वाली जो पंक्ति है ना, ये जगन्नाथ जी गा रहे हैं, ये जयदेव महाप्रभु नहीं गा रहे हैं। जयदेव महाप्रभु तो जय जगदीश हरे गा रहे हैं, पर आज भक्त के भाव पर ठाकुर जी रीझ गए हैं और पूरी पंक्ति की विश्रांति में जगन्नाथ जी जोर से गाते हैं जय जय देव हरे। आज तो मेरे जयदेव की जय हो, जय जय देव हरे, जय देव हरे। हे काली विषधर गंजन जन रंग सुरपुर के निदान
जित दूषण जित दूषण समरस मित दश कन जय जय देव हरे जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ
राधा वल्लभ लाल की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री मुने महारानी सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री राधे। द्वारिका धीश की जय। हरि शरणम। परम मंगल में प्रात परखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हमारे मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति कथा के निमित्त यजमान मात्र समस्त चिरपाल परिवार सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन्नारायण। भागवत भागीरथी जो कि विगत 3 दिनों से यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, आज उसका 4th दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। परमानंद उल्लास के साथ अहमदाबाद के इस पावन चिरपाल परिवार के सत्संकल्प से हम आप सब लोग भागवत भागीरथी की मंगल गाथा श्रवण कर रहे हैं। बंधुओं, भागवत का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपनी प्राप्ति के साधन, उसको भागवत कहते हैं। भगवत गीता में ठाकुर जी ने यह बताया कि तुमको जीना कैसे है, और भागवत में ठाकुर जी ने यह बताया कि जीकर के लक्ष्य रूपी मुझे प्राप्त करना कैसे। भागवत का मतलब यही है, ये वही भगवत प्रोक्त उपाया आत्मलब्धये। ठाकुर जी कहते हैं मैं कैसे मिलूंगा, इसके उपाय जहां वर्णित हैं वो श्रीमद् भागवत है, और जहां मानव को कैसे जीना है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ध्यान योग क्या है आदि आदि, ये सब उसको जीवित अवस्था में क्या क्या करना है वो गीता में ठाकुर जी ने बताया। लेकिन अपने कर्मों के निर्वहन के बाद मेरी प्राप्ति कैसे करनी है वो ठाकुर जी भागवत में बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत का सीधा अर्थ यही है कि जहां ठाकुर जी अपने उपाय का साधन, अपनी प्राप्ति के उपाय का साधन बतलाते हैं। इसलिए मैं पहले दिन से ही सतर्क करता रहता हूं कथाओं में कि भागवत भैया और किसी भाव से मत सुनो, श्रीमद् भागवत से आप अन्य अन्य कामनाएं भी मत रखो, श्रीमद् भागवत केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति का साधन। कल को कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, तो ये उत्तर दीजिएगा। जीने का तरीका भगवत गीता सिखाती है, और ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, मरने का तरीका श्रीमद् भागवत सिखाती है। मरने का तरीका मतलब एक बात बताएं, भगवत प्राप्ति एक प्रकार से मृत्यु के समान है। कैसे? हमारे ब्रज में एक सखा हुए भगवान के, उनका नाम था गोविंद दास। क्या नाम था? गोविंद दास। इसी कलिकाल में 500 वर्ष पहले हमारे गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी प्रकट हुए,
और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनको प्रकट किया। और सबसे ज्यादा श्रीमद वल्लभाचार्य जी के अनुयायी आपके गुजरात में ही हैं, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि परसों श्रीमद वल्लभाचार्य जी के वंशानुसार उनकी वंश प्रणाली में से एक बालक यहाँ पधार रहे हैं, हमारे बड़ोदरा के कल्याण राय मंदिर के पूज्य आचार्य चरण श्री द्वारकेश लाल जी के सुपुत्र, हमारे बड़े परम मित्र हैं शरणम जी। उनको मैंने निवेदन किया तो बोले मैं निश्चित आऊंगा, तो बड़ोदरा से चल के यहां आएंगे कथा में। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी और गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी, उन्होंने ही श्रीनाथ जी के श्रृंगार राग भोग और उनके सुंदर भावों को प्रस्तुत किया। तो आठ सखा हुए ठाकुर जी के अभी इन्हीं 500 वर्ष पूर्व में, 500 साल पहले बंधुओं भारत में 100 वर्ष तक के लिए भक्ति काल आया था, उसको भक्ति शतक कहते हैं। उसी बीच में सारे भक्त हुए थे, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, गोविंद दास, कबीर दास, ये सब एक ही 100 वर्ष के भीतर हुए थे, उसको भक्ति शतक कहते हैं। और आधुनिक भाषाओं में, कवियों की भाषा में भक्ति काल। तो तब एक सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनका नाम था गोविंद दास, लेकिन उनका पूर्व नाम था गोविंद स्वामी। अपने गांव से जब वो गोसाई जी के शरणागत हुए और श्रीनाथ जी की सेवा में आ गए, तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया, गोविंद स्वामी की जगह गोविंद दास कर लिया। तो एक बार उनके गांव के कुछ लोग गोविंद दास जी से मिलने के लिए आए, बहुत वर्ष बाद आए तो गोविंद दास जी को पहचान नहीं पाए, और आके गोविंद दास जी से ही पूछने लगे, भैया हमारे गांव को एक छोरा यहां रहे, वाको नाम है गोविंद स्वामी, तुमने वाकू देखो? तो गोविंद दास जी बोले, गोविंद स्वामी? बोले हाँ, उनकी तो 6 साल पहले मृत्यु हो गई। गांव के लोग बोले, गोविंद स्वामी पधार गए? बोले हाँ, वो तो पधार गए, 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग विलाप करने लगे, रोने लगे, रोते रोते गुसाई विट्ठलनाथ जी के पास गए। विट्ठलनाथ जी से जाके कही, हमारे गांव को एक बालक आपसे शरणागत हुआ, आपसे उसने दीक्षा ली, बेचारा 6 साल पहले मर गया। गुसाई विट्ठलनाथ जी बोले, क्या नाम था? बोले गोविंद स्वामी। गुसाई जी बोले, गोविंद स्वामी थोड़ी पधारे, गोविंद स्वामी तो अभी यमुना जी के तट पर बैठे, और देखो वो सामने जो बैठे हैं ना, वो गोविंद स्वामी तो हैं। गांव के लोग बोले, हम उससे ही तो पूछ के आए गोविंद स्वामी का, उसी ने कहा, वो तो पधार गए। तो गुसाई जी ने उनको बुलाया, बोले इधर आओ। गोविंद स्वामी से कहा, ये आपके गांव के लोग आए हैं, आपने इनको ऐसा क्यों कहा कि गोविंद स्वामी पधार गए? तो गोविंद दास जी बोले, भगवन मैं जब गांव से आया था तब मेरा नाम गोविंद स्वामी था, लेकिन जब से मैं ठाकुर जी की शरणागत हुआ हूं तब से मेरा नाम गोविंद दास है। तो मैं ऐसा मानता हूं, जब तक मैं शरणागत नहीं हुआ था तब तक मैं गोविंद स्वामी के रूप में जीवित था, पर जब से मैं शरणागत हुआ मेरा स्वामित्व तो नष्ट हो गया, वो पधार गया, अब दासत्व प्रकट हो गया, अब दासत्व जीवित हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो पधार गए, अब तो दास जीवित है, स्वामी तो पधार गए। भगवत प्राप्ति एक प्रकार से बंधुओं इति है। कल भीष्म पितामह की स्तुति में भी हमने सुना ना, उन्होंने स्तुति का प्रारंभ भी किया इति। अब तक जो था, जैसा था, जिस प्रकार से था, उन सब की इति। अब यहां से कुछ नया प्रारंभ हुआ है। आप जिस दिन भगवत आश्रित होते हो उस दिन से नवीनतम प्रारंभ होता है सब कुछ। तो एक प्रकार से अगर ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है। मरना किस भाव में? अहम के मर्दन को, काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि ये जितने भी हमारे विकार हैं उनसे मार करके हमको भक्त रूप में पुनर्जीवित करती है श्रीमद् भागवत। तो अब कोई पूछे कि भागवत क्या है, आपने 7 दिन के लिए अपने घर में क्या कराया था,
तो आपके पास में एक सटीक उत्तर होना चाहिए देने के लिए। जीवन जीने की कला जहां बताई वो भगवत गीता, पर जीवन जीने के पश्चात भगवत प्राप्ति की कला जहां सिखाई जाए वो भागवत। भागवत श्रीमद् भागवत। कल हम आप सब लोगों ने श्रवण किया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और राजा परीक्षित सब छोड़ करके वन में चले गए। वन में जाकर के संतों से पूछा कि जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हों उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, भगवान बताओ। अनेक संतों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाण, किसी ने भी परीक्षित को प्रमाण से नहीं बताया कि तुम 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करोगे। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो प्रतश्चवालैरवधूत भेष। तोड़ी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। अच्छा, एक बार हम थोड़ा कुछ क्लियर कर दें। कल ग्रहण है बंधु, और कल वैष्णवों का बहुत बड़ा उत्सव भी है। कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे ठाकुर जी ने ब्रज की गोपांगनाओं के साथ, या फिर सीधी भाषा में कहें परमात्मा ने जीवात्मा के साथ रास विहार किया। रास विहार को आप ये डांडिया नृत्य के रूप में मत समझा कीजिए। मैं अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, रस और रास ये दो स्थिति होती है। रस किसे कहते हैं? आप भगवत प्राप्ति के लिए जब प्रयत्न करते हो तो वो रस कहलाता है, लेकिन आपसे प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी आपसे मिलने का प्रयास करते हैं तो वो रास कहलाता है। समझ में आई बात? मैं आपसे मिलने का प्रयास करूं ये रस है, लेकिन आप मुझसे मिलने का प्रयास करो ये रास है। ठीक यही बात ठाकुर जी में परिलक्षित होती है। भक्त भगवान के लिए प्रयास करे वो रस, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ये रस है, लेकिन कथा सुनने के बाद भक्ति जीवन में आ जाए और उसके बाद जीवनचर्या में हमारी यही भक्ति चलने लग जाए तो वही रास में परिणत हो जाएगी। रस और रास। तो शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने रास विहार किया, और कल वही शरद पूर्णिमा है, परंतु कल ग्रहण है। तो ग्रहण मैं क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ी बहुत हम जानकारी जो गुरुजनों से और हमारे ब्राह्मण देवताओं से पूछ के जो हमको प्राप्त हुई हम आपको बता रहे हैं। 4:05 पर दोपहर में, शाम को, मतलब इसी समय लगभग कल सूतक लगेगा, और सूतक के बाद में भोजन करना मना किया गया है। केवल वृद्ध लोग, बालक, गर्भवती माताएं या फिर बीमार घर का कोई सदस्य हो तो वो प्रसाद पा सकता है। सूतक में प्रसाद पाने को अनिवार्य, थोड़ा उसके लिए मना किया गया है, लेकिन बहुत भूख लगे तो क्या करें, पहले ही पा लेना, और फिर ज्यादा ही भूख लगे तो फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके पाई लेना। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये कलयुग है भैया। एक बात आपको स्पष्ट कह दूं मैं, बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने की आज्ञा कलयुग में है नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना हमसे होगा नहीं कुछ भी, इसलिए भैया कर सको तो भली, नहीं करो तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी नाराज फिर भी नहीं होने वाले, लेकिन प्रयास करना कि कुछ ना पाओ। सूतक लग जाएगा 4:05 पर,
और फिर ग्रहण प्रारंभ होगा रात्रि 1:05 से लेकर के 2:24 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण से ठीक 5 मिनट पहले आप स्नान कर लीजिएगा, मतलब ग्रहण काल प्रारंभ हो उस समय आप स्नान युक्त हो जाइएगा, और अगर स्नान नहीं कर पाओ तो हाथ में जल लीजिएगा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाई अभ्यंतर सुचि। संस्कृत में ना बोल पाओ तो हे भगवान मुझे बाहर से पवित्र करो, अंदर से पवित्र करो, मेरी मति पवित्र करो, मेरा मन पवित्र करो, मुझे पूर्ण रूपेण पवित्र करो, इस प्रकार जल छिड़क लेना, और या फिर गंगा का नाम लेके गंगे गंगे तियो ब्रूयात गंगा गंगा कह करके छिड़क लेना। कहीं पता चली मेरे कहने से आप रात में नहा लिए सुबह बीमार पड़ गए तो हम तो नहाएंगे, लेकिन आपको जैसी सुविधा लगे। कलयुग है महाराज, सुविधा का विचार करना पड़ता है। तो 1:05 से पहले स्नान कर लीजिएगा, 1:05 पर सुंदर आसन बिछाइएगा, एकांत में बैठिएगा। आपके यदि गुरु हैं तो गुरु मंत्र का, या फिर जो भी मंत्र आपको आते हैं ठाकुर जी का, कोई भी एक मंत्र सबसे सुंदर बताएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठाकुर जी का फोन नंबर है ये, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ये द्वादश अक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। ISD कॉल है ना, इसलिए 12 अंक टाइप करने पड़ते हैं, रोमिंग लगती है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और कितने बजे तक करना है? 2:24 तक। ग्रहण में बंधुओं जब हम जप करते हैं, जप किस भावना से करना चाहिए? आज हमारे चंद्रदेव संकट की घड़ी में है। वैसे तो चंद्र को किसी भी प्रकार का कोई संकट हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी वे संकट में है। तो एक प्रकार से जैसे राम सेतु बनाते समय बानरों की सेना के बीच में गिलहरी ने भी थोड़ी सेवा की, ऐसे ही उन चंद्रमा के ऊपर आज ग्रहण लगा है, तो हम अपने भजन का बल उनको दे रहे हैं ताकि उनका ये युद्ध समाप्त हो, पूर्ण हो, वो विजयी हो। इस भाव से हमको मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण में एक भाव तो ये होता है कि मंत्र जाप करने से चंद्रमा का बल बढ़ता है, फिर ग्रहण की पूर्णता पर चंद्रमा जब विजयी हो जाते हैं तब चंद्रमा विचार करते हैं, आज किस किस ने मेरे लिए भजन किया, मेरे लिए नाम जप किया, उन सब को चंद्रमा पुण्य प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, और अति दूर दुगुना करके उनके पुण्यों को वापस देते हैं। इस भाव से गुरु मंत्र कीजिएगा या फिर कोई भी भगवान नाम, और देखो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी याद ना हो तो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण 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 भगवान नाम ही कह लीजिए, बस महामंत्र कर लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2:24 पर जैसे ही ग्रहण पूर्ण हो माला को नेत्रों से लगा करके पुनश्च स्नान कीजिए, और स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर विश्राम कीजिए। अब कल है शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अमृत किरणों को बरसाते हैं, इसीलिए हमारे वृंदावन में तो रिवाज है कि रात्रि में माताएं खीर बनाती हैं, आकाश में रख देती हैं, चंद्रमा पर उसकी प्रकाश पड़ता है, फिर अगले दिन भोग लगा के सब लोग प्रेम से पाते हैं। तो अभी ये संभव कैसे होगा? तो कल सूतक के समय से पहले आप खीर निर्माण कर लीजिए, उसमें कुशा पधरा दीजिए। कल यह भी करना है कि सूतक काल से पहले घर की टंकी में, घर के रसोई घर की सारी सामग्रियों में कुशा थोड़ी थोड़ी डलवा दीजिए, फ्रिज में, खाने पीने के पदार्थों में, आदि आदि सामग्रियों में कुशा रख दीजिए। ऐसी कल भी खीर बना करके उसमें पहले ही कुशा डाल दीजिए, फिर सूतक ग्रहण पूर्ण होने के बाद में कुशा निकाल करके जब ग्रहण पूर्ण हो जाए उसके बाद उसको चंद्रमा के नीचे आप 2:30 करीब रात्रि में रख सकते हैं, और सुबह फिर उसी का भोग लगा के सब लोग प्रसाद रूप में पाइएगा।
ग्रहण काल के बाद अगले दिन मतलब परसों ब्राह्मणों को सुंदर प्रसाद पवाना, घर बुला के उनको दान दक्षिणा देना, चंद्रमा की कुशलता के लिए सबको बधाई देना। ब्राह्मणों का इस प्रकार सम्मान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। और यदि आप संभव कर सको तो 2:45, 2:25, 2:24 पर जब ग्रहण पूर्ण हो उसके बाद स्नान के बाद खीर का भोग लगाते समय फिर गोपी गीत का रात्रि में पाठ कीजिएगा। कल रास विहार हुआ ना ठाकुर जी का, तब ठाकुर जी की जो रास की भूमिका है उसको प्रकट कीजिएगा। ठाकुर जी आप सबके घर के वे सूतक लगने से पहले ही शयन कर जाएंगे और फिर सीधे अगले दिन ही उठेंगे। रात्रि में ठाकुर जी नहीं उठेंगे, अगले दिन ही उनका उत्थापन, सुबह मंगला जब आप करते हो अपने अपने घरों में तभी ठाकुर जी को उठाइएगा। तो इस प्रकार कल ग्रहण का ये काल है। कथा भी कल सुबह 9 बजे से होगी, आप सब लोग समय का ध्यान रख के आना। और कल कृष्ण जन्मोत्सव भी है तो उसी भाव से हम लोग यहाँ करेंगे। शरद पूर्णिमा भक्तिमती मीराबाई जी का जन्मोत्सव भी है। अब यहां तो थोड़ा बहुत प्रसंग उनका कहेंगे, बाकी 1 तारीख से गांधीधाम कच्छ में तो पूरा 4 दिन का मीरा चरित्र ही है, तो उनको भी कल प्रणाम कर लेंगे और कल ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव भी हम लोग मनाएंगे। तो इस प्रकार बंधुओं आप सब अपने ग्रहण काल को कल मंगल रूप से कीजिएगा। ग्रहण में नाम जप करने से जिस मंत्र का आप जाप करते हो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वर्ष भर एक मंत्र का बेनागा जाप करने से जो प्राप्ति होती है वो केवल ग्रहण काल में उस मंत्र का जाप करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संत वैष्णव ब्राह्मण ग्रहण के समय सोत, कल कुछ ना भी कर पाओ ना सोइएगा बिल्कुल मत ग्रहण के समय पर, उस समय भगवत ध्यान स्मृति कीजिएगा। तो इस प्रकार ग्रहण काल को आप सब लोग मंगल बनाइएगा। कल कथा भी सुबह होगी, समय से आइएगा। हम लोग श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित को श्राप लगा। बंधुओं वैष्णवता जब जीवन में आती है ना तो बड़े लोगों का क्रोध और किसी के द्वारा कहा गया अनुचित शब्द भी हमको बुरा नहीं लगता। भक्ति का बंधुओं एक स्वभाव है कि वो आपके मान को नष्ट करता है, ईगो को खत्म करता है। कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त कहे और ईगो में ही रहे, गलत है। भक्त केवल तिलक लगाने से, कंठी पहन लेने से, माला जप कर लेने से, रोज मंदिर जाने से आप भक्त नहीं बनते हो। भक्ति स्वभाव में आती है। यदि आपके स्वभाव में, आपकी दिनचर्या में, आपकी बोली भाषा में अगर वो चीज दिख नहीं रही है तो आप भक्त नहीं हो, केवल आडंबर मात्र है। और स्वभाव में सबसे पहले भक्ति का लक्षण आता है कि उस व्यक्ति को मान रहित हो जाता है, मतलब बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होती भक्त के अंदर। हम कथा करने जाते हैं, मैं अपना उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा कि मैं महान हूं, केवल आपको समझ आए इसलिए कह रहा हूं। हम कथा करने जाते हैं सबसे मना करते हैं हमारे पांव मत छुओ, लेकिन फिर भी छूते हैं तो मैं क्या कहूं, अब तब कैसे रोकूं। उसके पीछे 2 कारण, एक हम खड़ाऊं पहनते हैं, आप पांव छुओ तो मैं गिर जाता हूं, एक आध बार गिर भी चुका हूं, और किसी दिन मुंह के बल ही गिर गया तो फिर अगले दिन कथा कैसे सुनाऊंगा। तो इसलिए हम कहते हैं दूर से प्रणाम करो। और दूसरा इसके पीछे जो कारण है, एक गुप्त कारण भी है वो मैं नहीं बताऊंगा, पर एक कारण यह है कि व्यक्ति को एक बार सम्मान मिलता है ना तो वो सम्मान का आदि हो जाता है, उसको सदा सम्मान की इच्छा होती है। और माफ कीजिएगा ये सबसे बड़ा दोष है, आप जैसे ही सम्मान के आदि हुए धीरे 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 वो पाप का एक प्रकार से ये समझ लो द्वार खुल गया, फिर धीरे धीरे सब भीतर आते जाएंगे। इसलिए मैं अपनी कथा में कहता हूं जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान की इच्छा नहीं होती ना उसको अपमान का बोध नहीं होता। अपमान उसी को लगता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है।
इसलिए मान से बचो, सम्मान से बचो। कई बार क्या होता है कि कथा सुनने के बाद में लोग उसको प्रैक्टिकल करने तो लग जाते हैं, लेकिन केवल दिखावे के रूप में करते हैं, वास्तविक रूप में नहीं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ज्यादा मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी कि भाई आपने तो बहुत बढ़िया कथा करवाई आदि आदि, जो भी आप कहोगे, अरे नहीं नहीं हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है। अब कथा में सुना है कि मान नहीं लेना है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, सब ठाकुर जी कर। लेकिन मन से क्या सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छे मेरे को प्रेज कर रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, अच्छा है हमारे लिए, अच्छा अच्छा बोल रहा। नहीं, मन से उसको अस्वीकार करो, उसको स्वीकार मत करो। मान से बचो तो कभी अपमान होगा ही नहीं आपका। क्यों? क्योंकि कोई अपमान करेगा भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मान रहित हो। ठाकुर जी मान रहित हैं, ठाकुर जी का ज्यादा सम्मान करो तो भी वो ऐसे ही रहते हैं, और कोई आकर के मंदिर में गाली भी दे दे तो भी वो ऐसे ही रहते हैं। ज्यादा ठाकुर जी पे फर्क पड़ता नहीं है, मान रहित हैं। ऐसा ही वैष्णव को भी होना चाहिए, भक्त को भी होना चाहिए, मान रहित। शिशुपाल 100 गालियां रोज देता था भगवान को, लेकिन ठाकुर जी सुनते रहते थे। 101 होते ही सुदर्शन चक्र ने सर धर से अलग कर दिया। आप कहोगे 101 होते ही सर धर से अलग कर दिया, अरे हम आपसे कहते हैं आप 99 गाली रोज सुन सकते हो? नहीं सुन पाओगे, हम में सामर्थ्य नहीं है। एक अनुचित बात यदि हमारे प्रतिकूल कोई कह दे तो हमसे सहन नहीं होता। मान रहित बनो, ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखो, क्योंकि मान एडिक्शन है, सम्मान एडिक्शन है। एक बार लगता है तो फिर लत लग जाती है उसकी, बार बार हो ऐसी इच्छा रहती है। और आपसे ज्यादा सावधान होने की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि हमारा आसन भी ऊंचा है और व्यास रूप में है, इसलिए लोग मान भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो स्वीकार तो करना पड़ता, नहीं तो लोग कहेंगे कितने अहंकारी हैं बताओ। लेकिन सदा अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, इसके आदि नहीं होना है, क्योंकि मान का आदि होना ही आपके पाप के द्वार को खोल देता है। इसलिए हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं, नीचपमानम क्षुधा सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में सबसे बड़ा विष यदि कोई है तो वो है सम्मान, उससे बचो। नीचपमानम क्षुधा, वैष्णव का स्वभाव है कि बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों के द्वारा दी गई डांट, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हुआ परीक्षित के साथ। परीक्षित को जैसे ही पता चला 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, परीक्षित दुखी नहीं हुए, परीक्षित आनंदित हो गए। पत्नी ने कहा, आप इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? तो परीक्षित ने वहां भी सकारात्मक सोचा, पॉजिटिव सोचा। परीक्षित कहते हैं, देवी संसार के किसी भी व्यक्ति को अपने अगले क्षण का भी नहीं पता कि वो जीवित रहेगा कि नहीं, पर हां मैं दावे से कह सकता हूं 7 दिन से पहले मुझे ब्रह्मा भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ने 7 दिन बाद मरने का श्राप दिया है, तो उससे पहले काल की भी सामर्थ्य नहीं है कि मुझे मार दे, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। सांसारी व्यक्ति होता तो दुखी हो जाता, 7 दिन बाद मर जाऊंगा, लेकिन परीक्षित जी प्रसन्न हो गए कि 7 दिन से पहले मुझको कोई नहीं मार सकता। भक्त को चाहिए, वैष्णव को चाहिए, अपनी हर स्थिति में पॉजिटिव क्या है वो देखे, अच्छा क्या है वो देखे। पत्नी यदि विपरीत बुद्धि वाली है तो हो सकता है शुरुआत में आपको बुरा लगे कि यार हमारे मन ही नहीं मिलते, हमारी व्यवहार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद आपको शायद अनुभव होगा कि आपका जो रिक्रिएशन हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ क्योंकि पत्नी विपरीत बुद्धि की है। अच्छा, इसका एक उदाहरण दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने मानस की रचना की, वो पहले ब्याह नहीं कर रहे थे,
लेकिन वो कथा इतनी अच्छी करते थे कि एक ब्राह्मण उनसे कथा में रीझ गया और पीछे पड़ गया, मेरी बेटी से ब्याह करो, मेरी बेटी से ब्याह करो। गोस्वामी जी बोले, भैया हमको ब्याह ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको कथा वथा में ही रहने दो, बस ठीक है। इतने में ही महाराज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को कहा कि तुमको उस ब्राह्मण की बेटी से ब्याह करना है, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। गोस्वामी जी बोले, जब महादेव कह रहे हैं तो इसका मतलब है निश्चित मेरा मंगल ही होगा। गोस्वामी जी ने जैसे ही ब्याह किया, ब्याह के बाद गोस्वामी जी की बुद्धि बदल गई। कैसी हो गई? राम जी की जगह पत्नी में ही आसक्त हो गए। अब तो 24 घंटा उसी को निहारना, उसी को देखना, कथा कहीं होती तो बस यूं रहता, कब पूरी हो मैं जाऊं और अपनी पत्नी से मिलूं, इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते। लेकिन बंधुओं, शास्त्र आज्ञा करता है अति सर्वत्र वर्जयत, अति हर चीज की बुरी होती है। पहले तो अच्छा लगता था गोस्वामी जी की पत्नी को, बाद में उसको चिढ़ होने लगी। बोले, 24 घंटा मुझे ही देखते रहते हैं, इनको बस मैं ही चाहिए। एक दिन छोड़ छाड़ के मायके चली गई। रात्रि में सोए थे गोस्वामी जी, उठ करके देखा तो देखा पत्नी है नहीं। व्याकुल हो गए, विरह कातर हो गए, रोने लगे, कहां चली गई। ढूंढते 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 समझ गए, जरूर मायके गई होगी अपने। यह भी विचार नहीं किया कि सामने यमुना नदी इतनी गहरी है, इसको पार कैसे करूंगा, कूद गए उसमें, क्योंकि पल्ली पारी ससुराल थे। शव बहता हुआ आया, यह भी विचार नहीं किया कि मरा हुआ शव है, इसका सम्मान करूं, उसी को नाव बना के बह गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने ससुराल पहुंचे, पत्नी से जाके बोले, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई। गोस्वामी जी की दीन अवस्था देख करके पत्नी को दया नहीं आई, क्रोध आया। बोले, आप प्रेम करते हो मुझसे? बहुत प्रेम करता हूं। अरे, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इस हाड मांस के पुतले से प्रेम करते हो आप। कल को मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? बोले, मेरे भी निकल जाएंगे। बोले, ऐसा प्रेम यदि राम जी से किया होता ना, तो आज राम जी मिल गए होते तुमको। जब दुत्कारा पत्नी ने, गोस्वामी जी के नेत्र एक क्षण के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति को देखा, सारा शरीर अस्त व्यस्त हो गया, शरीर से दुर्गंध शब की आ रही है, कांटे लगे हैं पैरों में। ऐसी दीन अवस्था एक साधारण सी कन्या के लिए मेरी, और वह भी मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही डांट रही है। निश्चित है कि यह अवस्था यदि राम जी के लिए हुई होती, इतना व्याकुल, इतनी तड़प राम जी से मिलने के लिए हुई होती, तो निश्चित राम जी मिल गए होते। और बस उसी क्षण गोस्वामी जी निकल गए। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर, राम जी से मिले। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि महादेव ने प्रकट होके क्यों कहा कि तुम ब्याह करो। हम लोग जन्मपत्री मिलवाते हैं, ब्राह्मणों से पूछते हैं कि भाई लाला हमारे बेटा के लिए बेटी के लिए अच्छा वर वधू होना चाहिए। आप निश्चित एक बात मानिएगा, जन्मपत्री के बाद बेटी लड़का लड़की की बनेगी और उनका जीवन अच्छा चलेगा तो समझो ये सामान्य बात है। लेकिन लड़की के घर आते ही उसकी विपरीत बुद्धि से पति का यदि रिक्रिएशन हो गया, उसकी बुद्धि शायद और कहीं लग जाए, किसी और भाव में आ जाए, तो निश्चित समझना ये संबंध उसी भाव से हुआ है जिस भाव से गोस्वामी जी का हुआ। महादेव ने क्यों कहा कि तुम ब्याह करो? क्योंकि महादेव जानते थे जब तक पत्नी की डांट नहीं पड़ेगी तब तक ये राम जी से मिलने के लिए लालायित होगा ही नहीं, इसलिए महादेव प्रकट हुए। एक गांव में एक तत्ववेत्ता रहता था, तत्व चिंतक। उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, मारती थी उनको, गांव के सामने पीट देती थी कभी कभी तो। लेकिन वो तत्ववेत्ता थे, सब उनका सम्मान करते थे। एक गांव का बालक, उसका पूरा परिवार उसके पीछे पड़ा था, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। तो उसने बहुत मना किया, अंत में जाके उसने कहा कि ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि मेरा ब्याह ही ना हो। तो उसने कह दिया, यदि वो तत्ववेत्ता बोल देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोल सकते,
उनकी पत्नी इतनी खतरनाक है, वो सबको यही राय देंगे कि भाई तुम भी ब्याह मत करो। गांव के सब लोग गए तत्ववेत्ता के पास जाके बोले, हमारे बेटा ब्याह नहीं कर रहा, कह रहा आप कहोगे तो करूंगा। बेटे ने कहा, कहिए भगवान मुझे ब्याह करना चाहिए कि नहीं? बोले बिल्कुल कर लो, अभी कर लो, इसी वक्त कर लो। बालक बोला, आप कैसे कह सकते हो, आप तो खुद दूध के जले हो, छाछ फूंक फूंक के पीनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए ऐसा ही कि फूंक फूंक के पियो, जल ना जाओ, लेकिन आप तो मुझे खुद जलाने के लिए ही आज्ञा दे रहे हो, आप कह रहे हो ब्याह कर लूं। अरे नहीं, आप जैसी पत्नी मेरी आ गई तो तत्ववेत्ता बोले, देखो तुम्हारे मन के अनुरूप पत्नी आ गई तो बढ़िया, खुशी खुशी जीना, और यदि विपरीत बुद्धि वाली पत्नी आ गई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे एक ही गांव में, तुम भी तत्व चिंतक बन जाओगे। मैं तत्व चिंतक बना हूं किस लिए? क्योंकि मेरी पत्नी विपरीत है। एक बार कनाडा में कथा कर रहा था मैं, तो वहां एक माता जी आई, माता जी तो नहीं थी, थोड़ी युवाएं थी, लेकिन ब्याह नया ही हुआ था उनका। बोली, महाराज जी मैंने इतने सोमवार व्रत किए, मैंने शंकर जी को इतना दूध चढ़ाया, इतना ये किया, ब्राह्मणों ने जो बताया मैंने सब किया, मेरे पति बिल्कुल विपरीत मिले मुझे। मैंने कहा, मां, मैंने उनको भी यही कथा सुनाई, मैंने कहा देखो पति यदि मन के अनुकूल मिल गया होता तो पूरा मन पति में ही लग जाता, पति मन के अनुकूल नहीं है इसलिए आप कथा में बैठी हो आज। अनुकूल मिल जाएगा तो पूरा मन उसी को दे दोगे, प्रतिकूल मिला तो जितना थोड़ा बहुत मन बचा था वो ठाकुर जी को दे रहे हो ना, इसलिए प्रतिकूल मिले तो कृपा, अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो ज्यादा कृपा, इसलिए प्रसन्न रहो भैया। होई सोई जो राम रचे राखा, ठाकुर जी ने सबका रचा हुआ है, जिसका जैसे जहां जैसे होना है होगा। राजा परीक्षित पॉजिटिव सोचते हैं, वैष्णव का स्वभाव है वो सकारात्मक ही सोचता है। राजा परीक्षित अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके चले गए, संतों से जाके पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब वहां सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राजा परीक्षित कहते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। बहुत सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ये ज्ञान की कथा केवल आज और कल है, परसों से तो फिर रसगुल्ला ही बटने हैं, ब्रज में पहुंच जाओगे फिर तो वहां लाल बाल लीला चलेंगे, इसलिए दो दिन और ध्यान से सुनो। बहुत परसों से तो फिर आपको गोपी बनना पड़ेगा, फिर तो ब्रज की लीला है, ठाकुर जी की मधुर लीला में आ जाएंगे। सामने सुखदेव जी बैठे और परीक्षित कहता है, महाराज आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, लेकिन आप जैसे संत प्रत्यक्ष दिख जाएं, चरण छूने को मिल जाएं, देखने को दर्शन मिल जाए, थोड़े वचनामृत सुनने को मिल जाएं, तो कहना ही क्या है। आप जैसे संतों को तो घर बैठ के याद कर लें तो वो पवित्र हो जाते हैं, पर आप सामने बैठे हो। पहली बात। लेकिन तुरंत दूसरी बात सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके जीवन के कुछ ही दिन बचे हों उसको भगवत प्राप्ति, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवत प्राप्ति और मुक्ति दोनों में अंतर है। भगवत प्राप्ति जीते जी होती है और मुक्ति मृत्यु के बाद होती है। यहां पर क्या पूछा गया कि मुक्ति कैसे हो यह बताइए जल्दी मरने वाले की।
राजा परीक्षित की बात सुनकर के अब यहाँ से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद यहाँ विराम होता है, द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। किवरिया निशते प्रश्न क्रतो लोक हितम रप आत्मवेद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यपर। बहुत सुंदर बात। बंधुओं, गुरु कौन जो प्रश्न का उत्तर दे दे? नहीं, जो प्रश्न को भी सही कर दे वो गुरु। आपने प्रश्न क्या किया उस प्रश्न को पहले सुधारे वो गुरु है। सुखदेव जी महाराज यहां कहते हैं, बोले राजन, तुमने पूछा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए। राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, पर ये तुम्हारे लिए पर्सनली, तुम अपने लिए यदि पूछ रहे हो तो ये प्रश्न अच्छा नहीं है। यदि ये प्रश्न तुम सबके लिए पूछ रहे हो, समाज के लिए पूछ रहे हो कि भाई जल्दी मरने वाले लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी मुक्ति हो जाए, तो ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न तुम्हारे लिए, तुमने अपने लिए पूछा है, तो ये अच्छा नहीं है। राजा परीक्षित बोले, मतलब सबके लिए पूछा तो अच्छा, मेरे लिए पूछा तो ये उचित नहीं है, क्यों? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम सामान्य बालक नहीं हो, तुम पांडवों के बालक हो इसलिए सामान्य नहीं हो ऐसा नहीं, तुम उत्तरा के बालक हो इसलिए सामान्य नहीं हो ऐसा नहीं, तुम इसलिए सामान्य नहीं हो क्योंकि तुमने जन्म बाद में लिया है, भगवान का दर्शन गर्भ में किया है, उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। न जाने कितने बालक अपने मातृ गर्भ में प्राण त्याग देते हैं, ठाकुर जी सबकी रक्षा करने नहीं जाते, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने के लिए गर्भ में गए, उस गर्भ में गए परीक्षित, जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसी के लिए हम सब लोग कर्म कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं ऐसा कर्म करो दोबारा कभी मातृ गर्भ में ना आना पड़े। उस गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए तुम्हारी रक्षा के लिए, क्यों? ठाकुर जी ने तुमको जीवित रखा इसका मतलब ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष कराना चाहते हैं, लेकिन आज तुम वही मांग रहे हो मुक्ति जो रावण को भी मिली है, जो कंस को भी मिली है, जो पूतना को भी मिली है, जो राक्षसों को भी मिली है, भगवान से बैर करने वाले शत्रुओं को भी जो मुक्ति मिली है, वही मुक्ति वो बालक मांग रहा है जिसकी भगवान ने प्राणों की रक्षा गर्भ में जाके की। बात की सूक्ष्मता को समझिएगा बंधु, ये साधारण बात नहीं है। संसार में अनेक बालक मर जाते हैं, अनेक लोगों की मृत्युएं रोज होती हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी को स्पेशली जाकर के रक्षा कर रहे हैं तो निश्चित भगवान की कोई उससे उपेक्षा तो है, कुछ अपेक्षा उससे है राजन। लेकिन आज जब 7 दिन में मरने का श्राप तुमको लगा तो तुमने क्या मांगा? मुक्ति। मुक्ति क्या है? या तो अंतिम समय भगवान को याद करते हुए प्राण त्याग दो, जीवन भर भजन पूजन करते हुए प्राण त्याग दो, या फिर अंतिम समय भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्याग दो, या फिर भगवान के हाथों से ही मर जाओ, तब मुक्ति मिलती है, वैकुंठ मिलता है मुक्ति के बाद। और ये मुक्ति राक्षसों को भी मिली है। तुम मुक्ति लेकर के जब वैकुंठ जाओगे, अब मेरे से अगर आप पूछो, हम 4-4 घंटे रोज कथा सुना रहे हैं, इतनी मेहनत करके कथा कह रहे हैं, एक आसन पर बैठ रहे हैं, अपने घर परिवार को 3-3 महीने तक छोड़ करके आते हैं, इतने परिश्रम करने के बाद, इतनी कथाएं कहने के बाद भी, इतने भजन गाने के बाद भी मुझे मुक्ति मिल गई, और मुक्ति में क्या मिला?
मेरे बगल में पूतना बैठी थी, उसके बगल में सुर्पनखा भी बैठी है, पीछे कंस भी बैठा है, यहां रावण भी बैठा है, मेघनाथ शिशुपाल सब बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर ऐशो आराम भी किए और भगवान को गालियां भी दी, बस भगवान के हाथों से मर गए। यहां हम भक्ति भजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा गा रहे हैं, उसके बाद हमको मुक्ति मिल रही है, और ये राक्षस भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। दोनों कोई भेद ही नहीं है। हमें तो ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। राजन तुम मुक्ति मांग रहे हो, परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, भगवान तो मुझे क्या मांगना चाहिए? बोले मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। राजन तुम मांगो भक्ति, भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। क्या चाहिए बताओ? मृत्यु के बाद तुम ठाकुर जी के पास जाओ वो तुमको चाहिए, या जीवित अवस्था में अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से 7 दिन के भीतर ठाकुर जी को प्रकट कर लो और यहीं जीवित अवस्था में दर्शन करके उनके पास चले जाओ, वो तुमको चाहिए? परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे कामना नहीं मुक्ति की, आप कृपा कीजिए, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, मुझे ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा, कृपा करके बताओ। मुझे अब चिंता नहीं 7 दिन में मरने की, मुझे अब चिंता यह कि 7 दिन कहीं पूरे ना हो जाएं, उससे पहले मैं ठाकुर जी को देख लूं। कितनी बड़ी बात है, मृत्यु की चिंता खत्म हुई है परीक्षित। पहले चिंता क्या लेके बैठे थे कि केवल 7 दिन बचे हैं, मैं मर जाऊंगा, मुक्ति कैसे मिले? अब चिंता क्या है, मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं 7 दिन में कैसे भगवान को प्राप्त करूं, मुझे उनका दर्शन कराओ नाथ। बंधुओं ये आश्चर्य की बात क्यों है पता है? परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन हैं, हमारे पास 7 सेकंड भी नहीं है। आज रात को सोएंगे और सुबह उठ जाएंगे, पता है आपको? नहीं है पता। मृत्यु कभी भी किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं व्यक्ति को धन कमाते समय सोचना चाहिए अभी तो मेरी आयु बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे कमाएगा, लेकिन भजन करते समय और पढ़ते समय सोचना चाहिए मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, क्या पता अगले क्षण मेरे को श्वास नहीं आई तो अभी भगवान को भज लूं। एक मुंबई के वैष्णव हैं, उन्होंने कथा सुन के पता है क्या नियम बनाया? मोबाइल फोन में 24 घंटे का अलार्म है उनके फोन में, हर घंटे अलार्म बजेगा और अलार्म क्या बजेगा? 1 मिनट के लिए राम 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 राम, ये अलार्म बजता है। फ्लाइट में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, दफ्तर हो, घर में हो, शादी में हो, विवाह में हो, रात्रि सो रहे हो, वो हर घंटे 1 मिनट के लिए ठाकुर जी को याद करते हैं। ये उनका नियम कथा सुनने से उन्होंने बनाया। आज कितने वर्ष हो गए उनको भक्ति के पद से जुड़े हैं, हर घंटे ठाकुर जी को याद करते हैं, हर घंटे ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में जब वो गहरी नींद में भी होते हैं ना, तब भी अलार्म बजता है, तो नींद में भी उनको राम 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 चलता है। मैं उनको देख के कभी कभी कहता हूं, मैंने भैया हम कथा सुना के आपका ये बढ़िया नियम तो बनवा दिए, हम में भी शायद इतना गुण नहीं होगा जितना आपने प्राप्त कर लिया, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपको स्वप्न में ठाकुर जी दिख तो जाते होंगे, तो हंस जाते हैं, बोले कि बस ऐसा लगता है सदैव राम जी मेरे संग ही हैं। मैंने कहा यही सार्थकता है आपकी कथा सुनने की, कि आप हर हर क्षण नहीं कम से कम हर घंटे ठाकुर जी को याद कर रहे हो। वाह,
परीक्षित, मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति की कामना करो, भक्ति का वरदान मांगो। हमारे अष्ट सखा एक पद गाते हैं, आप लोग भी मेरे संग गाओ, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, सब लोग मेरे पीछे गाओ, कथा में बैठे हैं, भागवत की कथा में बैठे हैं, यही मांगना है ठाकुर जी से, जो यहाँ पर हमारे सखा अष्ट सखाओं ने कहा है। ठाकुर जी से और कोई कामना नहीं है, बस एक ही कामना, सब लोग गाओ। यह मांगू गोपी जन वल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, मानुष जन्म और हरि सेवा, ठाकुर जी ऐसी कृपा करना कि मुझे अगला जन्म भी मानव का ही मिले, मैं मानव बनूं, पर अकेला मानव नहीं, मानव के साथ साथ मुझे आपकी सेवा मिले, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरी कृपा ये कर देना नाथ, ये मानुष जन्म भी मुझको ब्रज में मिले, मुझे वृंदावन में मिले, मुझे 84 कोस के भीतर मिले। ब्रज बसे वो दीजो चित कहूं अनंत न लाऊं, इन तज चित
परमानंद दास यह मागत है, परमानंद दास यह मागत है, नित निरखूं कब हूं ना अघां, नित एक वैष्णव यही कामना करता है। सांसारिक व्यक्ति की भावना नहीं बोलता मैं मंच से, वैष्णव तो यही मांगता है। मानुष जन्म और हरि सेवा ब्रज बसी वो, मुझे कभी कभी ये पंक्ति गाता हूं ना तो मुझे लगता है शायद पूर्व जन्म में मैंने ये मांगा होगा तभी इस जन्म में सफल हुआ। मानुष जन्म भी मिला, ठाकुर जी की सेवा भी मिली और ब्रज में जन्म भी मिला। और यमुना जल नित प्रति नहाऊं, हम वृंदावन के लोग जो नहाते हैं ना वो जल जमुना जी का ही है, हर घर में जमुना जी का ही आ रहा है। मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, अब हमारी चाल ढाल बोली सब कुछ कृष्ण ही है। हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहां पर भी ऐसे ही लगेगा कि ब्यास जी खेल रहे हैं, धोती पहन के ही खेलते हैं, वहां पर भी ट्राउजर टी शर्ट नहीं है, वहां पर भी धोती पहन के छक्के मारते हैं ताकि वहां आज हम आपके स्कूल गए सुबह तो बच्चे आए बसों से उतर के वो हमको देख के थोड़े सोचें तो सही है क्या धोती पहन के सारे क्रिकेट खेल रहे हैं। एक बालक आया बोले आप यहाँ कॉलेज में पढ़ते हो, आप कॉलेज से? आप, मैंने कि नहीं बेटा मैं 8th क्लास में हूँ अभी। हैं 8th में तो नहीं हो आप? मैंने कि अच्छा कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम कथा सुनाने आए हैं तो आपके स्कूल में आज खेलने आ गए। बोले धोती पहन के? मैंने कहा देखो अभी छक्का भी मारेंगे। मन क्रम वचन हमारी प्रत्येक स्थिति में झलके कि हम कृष्ण के। मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं, श्रीमद भागवत श्रवण सुनु नित, इन तज चित कहीं अनत न लाऊं। हम और किसी काम के हैं भी नहीं, हमसे केवल कथा करवा लो कथा सुनवा लो और तीसरा काम हम पे आता नहीं है, यही कर सकते हैं और यही एक वैष्णव को होना चाहिए। परमानंद दास यह मागत है, क्या मांग रहे हैं? बोले नित निरखूं, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, हे बांके बिहारी, मैं रोज आपको देखूं, कभी देखने से अघाऊं नहीं, मेरा मन कभी भरे ना। हर वैष्णव को परमानंद दास जी का ये पद अपने नित्य क्रम में रोज ठाकुर जी से कहना चाहिए, ठाकुर जी कृपा करो। तो भैया कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, कथा सुनने वाले और कथा करने वाले मुक्ति की कामना नहीं करते, भक्ति की कामना करते। हमें अब यह चिंता नहीं कि मृत्यु के बाद भगवान मिलें, हमारी चिंता तो यह है कि समय कम है, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी हमको मिल जाए। और बंधुओं इसी उद्देश्य से यह कथा हो रही है। जीवन के हर काम हमने कर लिए, ये कथा आपके यहां आपके चाहने से नहीं हो रही है, ठाकुर जी चाहते हैं कि अब आपका जीवन बदले,
अब आप उनके मार्ग के अनुगामी बनो, इसीलिए ये सब व्यवस्था हो रही है। आपको लग रहा होगा कि आपने करवाई है, आपको लग रहा होगा कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, नहीं। ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं कि भैया ये कथा हमारी व्यवस्था से हो रही है, आपको संकेत दिया जा रहा है कि अब अपना जीवन बदल दो, अब परिवर्तित करो, अब लक्ष्य सब जो थे उनको समाप्त करो, लक्ष्य में मुझे धारण करो, मुझे विराजमान करो। और अब परीक्षित का भी यही लक्ष्य है। अब उन पहले तो भयभीत थे कि 7 दिन में मर जाऊंगा, अब तो भयभीत इस बात से है कि मुझे ये डर है, मृत्यु से मुझे भय नहीं है, मुझे ये भय है कि कहीं मैं मर गया मुझे ठाकुर जी नहीं मिले, तो मुझे उससे पहले पहले ठाकुर जी मिले, अब ये भय है। और भगवत प्राप्ति का बंधुओं भय नहीं होता, भगवत प्राप्ति की तड़प होती है, जैसे बिना जल के तड़फन होती है ना, प्यास लगती है, ऐसे भगवत प्राप्ति का भय नहीं होता, तड़फन होती है। अब परीक्षित भयभीत नहीं है, अब तड़प रहे हैं। सुखदेव जी से कहते हैं, भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुझे भगवान से मिलाओ, मुझे बताइए ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। सुखदेव जी बोले, बैठो अब सुनाते हैं तुमको कथा। और यहां से सुखदेव जी का प्रवचन प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, महाराज भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, क्या कारण। अब आपको भागवत के विज्ञान में लेके चलें, श्रीमद् भागवत की साइंस जो कि हमने स्कूल में पढ़ी उससे बिल्कुल अलग है। ब्रह्मा जी यहां से प्रवचन करना प्रारंभ करते हैं, बोले भगवान अकेले हैं ब्रह्मांड में, एको हम। तब ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, बहुश्याम, मैं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, कमल पर ब्रह्मा। ब्रह्मा पूछते हैं, भगवान आज्ञा करें, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा निर्माण क्यों हुआ है। तब ठाकुर जी कहते हैं, सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ, और सृष्टि में ऐसे जीव का निर्माण करो जो कर्म करते हुए सृष्टि को भी चला सके और कर्म के साथ साथ भजन करके मेरी प्राप्ति भी करे। उसकी ऐसे ऐसी साइकिल बनाओ कि वो कर्म भी करे, कर्म करते हुए बंधन में भी बंधे और मेरे भजन के माध्यम से मुक्त भी होता रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सबसे पहले किनको बनाया, उद्भिद। उद्भिद किसको कहते हैं, जमीन फाड़ के पैदा होने वाले पेड़ पौधे वृक्ष आदि, इन सबको सबसे पहले बनाया। इनसे कर्म तो हो रहा है लेकिन भगवत भजन नहीं हो रहा है। यही प्रश्न बंधुओं विदुर जी ने मैत्री मुनि से किया, जो प्रश्न श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने किया है। तो यहां दो संवाद एक साथ चल रहे हैं, विदुर मैत्री संवाद, परीक्षित सुखदेव संवाद। सबसे पहले उद्भिदों को बनाया, ये वृक्ष वल्लरी आदि पेड़ पौधे, इन सबका निर्माण सबसे पहले हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भाई सृष्टि तो हो रही है लेकिन कर्म के निराकरण के लिए तो जीव बन गए लेकिन भजन करने वाले नहीं बने। तब उन्होंने सृष्टि का दूसरा रूप बनाना प्रारंभ किया और वे थे अंडज, अंडे से प्रकट होने वाले जीवों को बनाया। लोग पूछते हैं, मुर्गी पहले आई कि अंडा, पहले अंडा आया। भागवत में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अंडे बनाए, उससे ही निर्माण प्रारंभ हुआ आगे। अंडज बनाए, अंडे से पैदा होने वाले सब जीवों को बनाया। लेकिन वह भी सृष्टि चालन में तो ठीक है लेकिन भगवत भजन नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वेदज बनाए, मतलब वृक्षों की गंदगी और अंडजों की गंदगी से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कीटाणुओं को बनाया। और अंत में जरायुज बनाए, जरा में लिपट करके पैदा होने वाले शेर, चीता, गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, इन सबको बनाया।
इस प्रकार ब्रह्मा जी बनाते गए और ब्रह्मा जी ने 83,99,999 योनियां बनाई, लेकिन अभी तक मन को संतोष नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, नाथ मैं हारा हुआ समझ रहा हूं, मुझसे सृष्टि हो नहीं रही है। तब भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और कहा इसका पुरुषण करो, मतलब एक प्रकार से भगवान ने गुरु मंत्र प्रदान किया। और जब उसका चिंतन किया, चिंतन करते 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 सद्बुद्धि प्राप्त ब्रह्मा जी को हुई और 84,00,000वीं योनि के रूप में ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव को बनाया। और सबसे पहले मानव किसको बनाया? 4 मानव बनाए छोटे छोटे, और इन्हीं का नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार घोषित कर दिए गए, इनको मानव नहीं माना जाता। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चारों को बना के भगवान घोषित कर दिया, ये ठाकुर जी। जैसे हर वस्तु हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं पहली वस्तु, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जब देखा कि श्रेष्ठ सृष्टि अब हुई है तो चारों को भगवत रूप मान करके भगवान का प्रथम अवतार बता दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आपने बहुत सुंदर सृष्टि की, बस ऐसी ही सृष्टि चाहिए। और जो ठाकुर जी ने किसी को नहीं दिया वो इन मानवों को दिया, क्या? बुद्धि, सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, सद्बुद्धि मानव के पास। ब्रह्मा जी से कहा यही सृष्टि आगे बढ़ाते रहो। तब 4 के बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए। उन्हीं 10 मानस पुत्रों में एक दक्ष प्रजापति है, उन्हीं 10 मानस पुत्रों में सबसे छोटे श्री नारद जी हैं। इस प्रकार 10 मानस पुत्र बनाए और पुत्रों से कहा बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भगवान का भजन करने के लिए बनाया है। नहीं नहीं बेटा, केवल भजन से काम नहीं चलेगा, कर्म भी तो करना है ना, कर्म नहीं करोगे? दसों बोले नहीं, हमसे कर्म नहीं होगा पिताजी, हम तो भजन करने के लिए आए हैं। और नारद जी तो उछल उछल के भजन ही करने लग गए। ब्रह्मा जी वैसे फ्रस्ट्रेटेड थे, इतनी देर से, इतने दिनों से सृष्टि बना रहे हैं, निकल के ही नहीं आ रहा है जो चाह रहे हैं, उसके बाद भी अब जैसे तैसे मानव बने तो सब भजन करने वाले ही बनने हैं। तो ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और ललाट का भेदन करके महादेव रुद्र प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मेरी कोई नहीं सुन रहा है, तुम ही बताओ मैंने तुमको क्यों बनाया, ये सृष्टि क्यों बना रहा हूं मैं? तो महादेव ने कहा पिताजी जैसी जैसा मुझे अनुभव हो रहा है, आपने भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए संपूर्ण मानव को बनाया। ब्रह्मा जी नाराज हो गए, बोले नहीं बेटा सृष्टि कौन करेगा, भजन भजन करने से कल्याण नहीं होगा, सृष्टि करनी पड़ेगी। और चलो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुमको सृष्टि करनी ही पड़ेगी। शंकर जी बोले हमसे ना ही कराओ तो बढ़िया है, नहीं नहीं तुमको तो करनी पड़ेगी, करो हमारा साथ दो, सृष्टि करवाओ हमारे साथ। शंकर जी बोले ठीक है चलो। शंकर जी महाराज लगे, पिताजी तो 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुख, बुद्धि, हाथ पैर, 10 इंद्रियां, 10 पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार से मानव बना रहे थे, लेकिन शंकर जी की अलग ही सृष्टि चल रही है। को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का सर ही नहीं है और किसी के बहुत सारे सर हैं, किसी के पूरे अंग प्रत्यंगों में आंख ही आंख बना दी, किसी के बहुत सारे हाथ बना दिए, कोई बिना पैर के चलने वाला बना दिया। इस प्रकार उबड़ खाबड़ सृष्टि बनाने लगे ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के आराम में गए थे, लौट करके आए, देखा बेटा कि देखूं कैसी सृष्टि कर रहा है। जैसे ही आकर के देखा महाराज, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी राक्षस ये सबको बना दिया। ब्रह्मा जी बोले अलम प्रजा भी रहने दो, अब मत करो, बस यहीं रुक जाओ, क्या बनाया तुमने? शंकर जी बोले देखो हमारा अवतरण भगवत स्मरण के लिए हुआ, सदा ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए हुआ है, आप हमसे कोई क्रिया करवाओगे तो बिगड़ेगी, क्योंकि मन जब तक नहीं लगेगा तब तक पिताजी मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप कृपा करके मुझको भजन साधन में ही रहने दीजिए,
उत्पत्ति का नहीं संहार का काम मुझको दे दीजिए। जब प्रलय करना होगा तब आप हमको उठा देना, प्रलय हम चुटकी बजाते ही कर देंगे, वो काम हमसे हो जाएगा, लेकिन अभी ये सब मत करवाओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, जय हो, तुम एक काम करो, जितने तुमने बनाए इन सबको संग लेके जाओ। और सब भूत प्रेतों को लेकर के महादेव पहुंच गए उत्तर की दिशा में, कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या करूं कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने विचार किया कि ये मन भजन भगवान में लग रहा है, सृष्टि तब तक नहीं होगी जब तक इन मानवों का मन कर्म में नहीं लगेगा, और मन को कर्म में लगवाने के लिए कोई साधन तो चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से सत्रुपा नाम की कन्या को प्रकट किया। अभी तक केवल पुरुष बनाए गए थे। बंधुओं हमारी साइंस हमको पढ़ाती थी कि हम पहले बंदर थे, हम आदि मानव थे, धीरे 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 हम लोग मानव बनते चले गए। हम वृंदावन के लोग आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे, कब बेचारे सुधरेंगे, आज तक तो बने नहीं। हम बानरों की संतान नहीं है, हम बानरों से मानव नहीं बने। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले मानव का नाम, आदि मानव का नाम, आदि मतलब प्रथम, आदि मानव का नाम है स्वयंभू मनु। इसीलिए हम मानव हैं, मनु की संतान। बाम अंग से सत्रुपा और दायने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट किए ब्रह्मा जी ने। स्वयंभू मनु सत्रुपा को प्रकट करके ब्रह्मा जी बोले हां अब ठीक है, अब इस मानव को कर्म करने के लिए पत्नी है, यही इनको कर्म में लगाएगी, इसी से सृष्टि आगे बढ़ेगी और इसी से ही कर्म में व्यक्ति लगेगा। देखो कितनी विडंबना है, कहां पहले भजन करने वाले ही थे हम लोग, लेकिन जानबूझ के ठाकुर जी ने ऐसी सृष्टि करवाई कि हम कर्म में लगे, और फिर कर्म में लगना भी है, कर्म करना भी, और फिर उससे निकल के दोबारा भजन में ही लगना है। ठाकुर जी क्या खेल खेल रहे हैं पूरी सृष्टि के साथ, अद्भुत। स्वयं भूमनु सत्रुपा को बनाया और ब्रह्मा जी ने कहा जाओ जाकर के पृथ्वी पर आप लोग सृष्टि प्रारंभ करो। स्वयं भूमनु सत्रुपा जैसी पृथ्वी की ओर आने लगे, इतने में ही कश्यप ऋषि के बंधुओं तीन पत्नियां हैं, दिति अदिति और धनु। अदिति के जो पुत्र हैं वो सब देवता हैं, दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य हैं, धनु के जो पुत्र हैं वो दानव हैं। पिता तीनों के एक ही हैं, कश्यप। तब दिति के पुत्र हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया और हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। स्वयं भूमनु सत्रुपा ने आकर ब्रह्मा जी को बताया, बोले कि महाराज पृथ्वी पृथ्वी तो कुछ है नहीं, वहां तो सब अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, इतनी मेहनत से पृथ्वी बनाई कहां चली गई, कौन ले गया, चिंता करने लगे। चिंता करते हुए भगवत स्मरण किया, हा नाथ कहकर के पुकारा। तुरंत ब्रह्मा जी की नासिका से वर्णन है कि छींक आई उनको, और जैसी छींक आई तो नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए। बोलो वराह भगवान की। हाथ जोड़ के सब लोग वंदन करो। जब प्रकट हुए तो सूक्ष्म थे, लेकिन सूक्ष्म से अत्यंत विराट हो गए, इतने विराट हुए कि 14 भुवन सब वराह भगवान के श्री अंग के भीतर ही आ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति गाई, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं त्वनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद रोम गरते सुनिलिल्वरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। बोलो वराह भगवान की जय। भगवान वराह बन के प्रकट हुए और वराह बन के ठाकुर जी ने रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठाया, लाकर के व्यवस्थित किया। हिरण्याक्ष बहुत चिल्ला रहा था, भगवान ने उसका पेट विदीर्ण करके उसको नष्ट कर दिया। तब से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप भगवान से शत्रुता मानता है,
और विचार करता है किसी दिन तो मैं युद्ध करूंगा और इनको हराऊंगा। लेकिन यहां पृथ्वी पर स्वयंभू मनु शत्रुपा आए और इनके सबसे पहले 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 पुत्री कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्री हैं। और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं 5ों के वंश में ही पूरी कथा चलेगी और उन्हीं वंश में ही आगे चल चल करके कृष्ण राम आदि का अवतार, और उन्हीं के वंश में ही आगे ये सब शाखाएं निकल करके हम सब प्रकट हुए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं कि यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो स्वयं भूमनु का नाम लेकर के यदि संकल्प कर ले तो उसका गोत्र पूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे आदि मानव स्वयं भूमनु है। अब यहां से कथा थोड़ी प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पहले हमारा मन है एक कीर्तन कर लें, उसके बाद फिर आगे के क्रम में, क्योंकि अब भागवत का यहां से दर्शन शास्त्र फिलोसफी चालू होगी, उससे पहले हम आप सब लोग कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन कर लें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण, सब लोग गाओ, करताल बजा के गाओ, हो गया। सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करते हुए कहो, हम आपकी शरण में आके धन्य हो गए। जब से ये कथा हमारे जीवन में आई है तब से नाथ हम धन्य हो गए। और जो वास्तव में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं वही लोग गाना, जिनको नहीं लग रहा हो वो मत गाना, बाप से गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो जन्मों की प्यास थी जो संपन्न पर आप मिल गए तो
ओ जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। एक ही प्रार्थना है द्वारिकाधीश से, एक ही मनोकामना है नाथ हमारी, हम चाहे पाप करें चाहे दुष्कर्म करें चाहे कितने भी बिगड़ जाएं जीवन में नाथ, पर आप हम पर एक दया दृष्टि बनाए रखना। क्या करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ब्रज के एक संत कहते हैं कि यदि आप कभी ठाकुर जी की सेवा में जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हो, या धीरे धीरे भजन कम हो जाए, धीरे धीरे सत्संग में रुचि कम हो जाए, धीरे धीरे ठाकुर जी की सेवा में कटौती होने लग जाए, या फिर एक समय आने पर बिल्कुल ठाकुर जी के ना तो कथा सुनने का मन करे ना सेवा करने का मन करे, तो ये आप ऐसा मत सोचना कि आप नास्तिक हो गए हो या आपका मन नहीं होता, आप आपके मन में भाव नहीं आता। वास्तविकता यही है, शायद आपसे कोई अपराध बना, ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि आप उनको भजो। इसलिए नाथ से सदैव प्रार्थना करना, ठाकुर जी जीवन में चाहे कुछ हो जाए लेकिन आप ऐसे नाराज मत हो जाना कि हम आपका भजन ही करना बंद कर दें। नाथ ठाकुर जी का भजन होते होते छूट जाए तो निश्चित है कि अब ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि आप उनको भजो। तो हे नाथ कुछ भी करना पर ये कभी मत करना, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों, क्यों चरणों गोविंद oh,
क्योंकि हमारी कथा जो है बंधुओं ये नारद पद्धति की कथा है और नारद पद्धति की कथा में बीच बीच में संकीर्तन होना चाहिए। तो हम तो कई कई बार ऐसी भी हुआ है कि 4 घंटा हो गए भूल ही गए कुछ करना भी था, तो इसलिए थोड़ा संकीर्तन। तो आओ कथा क्रम में चलें। तो स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्री हुए। अब यहां जो कथा प्रारंभ हो रही है बंधुओं, ये स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति की कथा है। अब आप लोग बिल्कुल जब तक कथा विश्राम हो तब तक एकाग्र चित्त से बैठना, क्योंकि ये भागवत का बहुत विशिष्ट प्रसंग है और मुझे बड़ा प्रिय है। एक अभी यहां तो अब हम आधा एक घंटा ही बोलेंगे, लेकिन इस पर 7 दिन तक भी मैंने प्रवचन किया है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। बहुत सुंदर है कपिल देवहूति संवाद। ब्रह्मा जी के छाया से एक पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। क्या नाम था? कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने अनंत वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया। भगवान जब प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि से कहा, मांगो वरदान, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने जो मांगा वह सुन करके भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो कर्दम ऋषि, इतने वर्षों तक तुमने तपस्या की है, बताओ क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि भगवान से मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोढु काम समान शीला ग्रह में दधेनु उपेयवान मूल मशेष मूलम दुराशयः काम उपात्य दंग। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, नाथ मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली और आप उसको प्रिय लगते हो मुझसे ज्यादा, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह करा दो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले, क्या? बोले, मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, इससे कई गुना ज्यादा प्रेम करने वाली आपसे और आप उसको बहुत प्रिय लगते हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह करा दो। भगवान बोले, वाह, इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी, इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू ही निकल आए ठाकुर जी के। बंधुओं, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, ठाकुर जी से वस्तु तो मांगो, पर हम लोग वस्तु क्या मांगते हैं? जो हम अपने उपभोग के लिए चाहते हैं वो वस्तु हम ठाकुर जी से मांगते हैं। ठाकुर जी से वस्तु की कामना करो, पर कामना के साथ में एक भाव और रखो, ये वस्तु क्यों चाहिए? ताकि आपकी सेवा हो सके। जैसे, हे ठाकुर जी, अहमदाबाद के बोपल में हमारा बंगला बन जाए। अब इसमें ये नहीं कहना हमारा बंगला बने, ठाकुर जी आप राज करो, आप सुख से विराजो, ऐसा सुंदर एक घर बन जाए, ऐसी कृपा आप हम पर करो। हे ठाकुर जी, हम आपके लिए सुंदर रथ लाना चाहते हैं, कभी कहीं जाएं तो आपको उसमें बैठा के ले जाया करें, ऐसी कृपा करो, बढ़िया बढ़िया मैगी वाली बड़ी गाड़ी लेके आवें। हे ठाकुर जी, हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो भविष्य में आपका खूब सुंदर भक्त हो। हे ठाकुर जी, हमें ऐसी पुत्री मिले जो आपके अनन्य भक्त बने, और जो यहां युवा बैठे हैं 2-4,
हे ठाकुर जी हमें ऐसी पत्नी मिले जो आपकी हमसे ज्यादा सेवा करे, हे ठाकुर जी हमें ऐसा पति मिले जो आपका खूब भजन करे। अब देखो मांगा तो संसार ही है, लेकिन आप इसको संसार कह नहीं सकते, क्योंकि सारी संसार की वस्तु भगवत प्राप्ति ही करा रही है। गलती कहां होती है, अपराध कहां होता है कि हम ठाकुर जी से संसार की वस्तु अपने उपभोग के लिए मांगते हैं। नंद बाबा और यशोदा ने भी पुत्र की कामना की और उसी के लिए तीर्थों में गए, लेकिन वहां श्लोक स्पष्ट है कि पुत्र कैसा चाहिए, बोले विष्णु आराधनार्थाय। नंद बाबा कहते हे बद्री विशाल भगवान ऐसो पुत्र दे दो जो गैयान की सेवा करो करे, संतन की सेवा करो करे, हमारे घर के ठाकुर जी की सेवा करे करे। ये नहीं कि हम माता पिता बूढ़े हो जाए हमारी सेवा करे, नहीं, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले कि इसी प्रभाव से ठाकुर जी इतने ही रिझ गए, बोले संत सेवा गौ सेवा के लिए पुत्र मांगा तो कोई और नहीं, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। बंधुओं मैं एक बात और कहता हूं कथा में, व्यक्ति अपने विकारों की लिस्ट बनाए कि उसके अंदर कितने दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ममता अहमता, जो कुछ भी आप अपने शब्दावली में अपने दुर्गुण लिखो और विचार करो ये दुर्गुण क्यों हैं, क्योंकि ये दुर्गुण किसी मानव के साथ घटित हो रहा है इसलिए ये दुर्गुण है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत हो जाए तो वही भक्ति बन जाएगा। जैसे क्रोध संसार के प्रति है तो पाप है, लेकिन वही सेवा में आ जाए ठाकुर जी के प्रति हो जाए। प्रयागराज में एक मंदिर है आज भी, वहां एक बूढ़ी माता जी सेवा करती थी ठाकुर जी की। माता जी बेचारी अतिवृद्ध हो गई, उनका परिवार लगभग खत्म जैसा हो गया था, लेकिन फिर भी वो ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ती थी। एक दिन माता जी कहीं से गिर गई, उनका पैर टूट गया, लोग बाग उनको हॉस्पिटल ले गए, वो सब पे चिल्ला रही तुम लोग क्यों मुझे ले जा रहे हो, अरे जाने तोड़ो वही ठीक करेगा याकू। डॉक्टर पलस्तर लगाने लगा, डॉक्टर बोली छूना नहीं, जाने तोड़ो वही ठीक करेगो। घर वाले बोले ऐसी बुढ़ापे में बोलती रहती है, आप तो पलस्तर कर ही दो, लेकिन मैया हिलती रही, पलस्तर करवाया ही नहीं। बोले क्या चाहती हो, बोले मुझको ले जाके मेरे ठाकुर जी के सामने बैठा दो और तुम सब चले जाओ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। ठाकुर जी के सामने जाके बैठा दिया, सब चले गए। ठाकुर जी से बोली क्या कमी छोड़ी तुम्हारी सेवा में है, वस्त्र अपने हाथ से बना के पहनाती हूँ, तुम्हारे लिए भोग बनाती हूँ, तुम्हारी सारी सेवा कितने भाव से करती हूँ, आज मेरा पाम तोड़ दिया आपने, चलो अब इसको ठीक करो, और तुमने यदि ठीक नहीं किया तो मैं भी बाहर से पत्थर ला रही हूँ, मैं भी तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगी। जैसे ही ये भाव उनका आया, इतने में ही मैया अपने आप खड़ी हो गई, पाँव वाँव सब ठीक हो गया, ठाकुर जी ने स्वस्थ कर दिया। अब कहने कोई एक भाव नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अपने घर के ठाकुर जी पे गुस्सा करो, पत्थर दिखाओ उनको, भाव होए तो ये कर सकते हो। हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं इसलिए हमारा क्रोध करने का भी अधिकार है, लेकिन गली मोहल्ले में चल रहे आते जाते लोगों को आप अगर डंडा दिखाओगे तो निश्चित है पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, क्यों, जानना पहचान हम पे गुस्सा करता है। ऐसे ही ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाएगा ना, तब क्रोध का भी अधिकार मिल जाएगा। प्रेम ही नहीं हो फिर क्रोध करो ठाकुर जी पे तो क्या फायदा। कहने का अभिप्राय, आप अपने अवगुणों को भी यदि ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत कर दोगे तो वह भी एक गुण बन जाएगा, परंतु ये अवगुणों के रूप में आप एक खाने पीने वाली चीज मत ले आना, वो तो अवगुण ही रहेंगे। विवेक, आप सब विवेकी हैं, सब जानते हैं कौन सा अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है। कर्दम ऋषि ने कहा नाथ ऐसी पत्नी दे दो जो आपसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करे, उससे मेरा ब्याह करा दो। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे।
भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न है करदम, चिंता मत करो, पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की बेटी देवभूति मेरी बहुत बड़ी भक्त है, उसने नारद आदि संतों से मेरी इतनी कथा सुनी है कि वो मुझे निरंतर भजती रहती है, परसों तुम्हारा उससे ब्याह होगा, उससे तुम्हारा विवाह होगा। करदम ऋषि प्रसन्न हो गए, जय हो, धन्यवाद भगवान, बस यही आकांक्षा थी आपसे। ठाकुर जी बोले हम तुम्हारे वरदान से इतने प्रसन्न हैं कि एक वरदान हम अपनी तरफ से देना चाहते। करदम ऋषि बोले अच्छा बताइए भगवान। बोले कि पहला वरदान तो तुमने मांगा कि देवभूति से तुम्हारा ब्याह होगा, मेरी भक्ता है। दूसरा वरदान हम अपनी तरफ से देते हैं कि तुम्हारे यहां संतान बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा संतान बन करके आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र रूप में मेरा ही जन्म होगा। ऐसे भक्त माँ ऐसे भक्त पिता होंगे तो वहां पुत्र थोड़ी आएगा, मैं ही तो आऊंगा। करदम ऋषि तो अब नाचने लगे, बोले जय हो भगवान। सोचो अब ये विचार की बात है, ठाकुर जी से मांगा ये है करदम ऋषि ने, पर ऐसा मांगा कि ठाकुर जी ने खुद को भी दे दिया। मैंने कहा ना श्रीमद् भागवत आपका निर्माण एक भक्त के रूप में करती है, श्रेष्ठ मानव नहीं बनाएगी भागवत, श्रेष्ठ भक्त बनाएगी। करदम ऋषि का देवभूति के साथ विवाह हुआ, विवाह के पश्चात देवभूति माता के रूप को देख करके इतने प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर थी देवभूति कि करदम ऋषि देखते ही रह गए, और देखते 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 करदम ऋषि की लंबी समाधि लग गई। लोग बाग प्रश्न करते हैं क्या करदम ऋषि सांसारिक स्त्री के रूप में मोहित होकर समाधि में चले गए? नहीं, करदम ऋषि मन में विचार कर रहे हैं ये देवभूति इतनी सुंदर है, ठाकुर जी की सुंदरता की सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर, फिर उस सिंधु के अधिपति ठाकुर जी कितने सुंदर, और वे ठाकुर जी सदा किशोरी जी का चिंतन करते हैं, श्री श्री जी हमारी श्री राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। सोचो संसार का व्यक्ति इतना सुंदर है तो श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे, और वो श्याम सुंदर सदा जिन किशोरी जी के पीछे सदा जिन किशोरी जी के ध्यान में रहते हैं वो किशोरी जी कितने सुंदर होंगे। इस ध्यान में करदम ऋषि की समाधि लग गई, और बंधुओं कोई 10-5 घंटे की समाधि नहीं लगी थी, 60 साल की समाधि में गए थे। 60 साल बाद समाधि जब टूटी तो सामने वयोवृद्ध मैया बैठी थी। करदम ऋषि ने प्रणाम किया, जय हो माता जी प्रणाम, मेरी पत्नी देवभूति उसको कहीं देखा आपने? माता जी बोली जय हो पति परमेश्वर, मैं ही हूं देवभूति। देवी आप वृद्ध हो गई? बोले आप 60 साल की समाधि में चले जाओगे तो वृद्ध हम क्या युवा ही बनी रहेंगे? करदम ऋषि बोले आपने अपना संपूर्ण युवावस्था हमारी सेवा में ही व्यतीत कर दी। देवी बताइए क्या चाहिए, हम आपको देना चाहते। देवभूति बोली वृद्धावस्था में क्या मांगूं आपसे? करदम ऋषि ने कहा देवी ये जो बाहर सरोवर है ना ये साधारण सरोवर नहीं है, मैंने जब भगवान की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न होकर रुदन करने लगे तो उन्हीं के बिंदु से ही ये सरोवर बना है, बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो। देवभूति ने जाकर के स्नान किया, उनका रूप बिल्कुल नवीन हो गया। तब विश्व का सबसे पहला विमान बनाया गया, करदम ऋषि ने बनाया, और विमान का नाम था कामघ विमान। करदम ऋषि ने यह विमान कैसे बनाया उसका भी एक पूरा पुराण है, एक पूरा संकलन है, विमान कैसे उड़ेगा, उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, उसका भार कितना होना चाहिए, सब कुछ करदम ऋषि ने वर्णन किया और प्रथम विमान बनाया। भागवत में उस विमान का वर्णन सुनके शायद बुद्धि वाले लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, उस विमान में झरने भी हैं, तालाब भी हैं, पहाड़ भी है, सब कुछ है, बहुत विशाल विमान बनाया। और विमान में करदम ऋषि देवभूति ने अनंत वर्षों तक भ्रमण किया। अनंत वर्षों बाद जब लौट करके आए तब करदम ऋषि के
9 पुत्रियों ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि बोले, देवी 9 पुत्रियां हो गई, अब एक काम करो, इन पुत्रियों का लालन पालन करो, मैं तो वन में जाके अब भजन करूंगा, अब एक समय आ गया, अब विरक्त होना चाहिए। देवउती बोली, बेटियों का ब्याह तो करके जाओ, बिना ब्याह के कैसे निवृत्त। तब 9 बेटियों का 9 प्रजापतियों के साथ विवाह किया। कर्दम ऋषि को तुरंत याद आया कि भगवान ने वचन दिया था वो मेरे यहां पुत्र बनकर के आएंगे। तब 10वीं संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहां पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल, उद्गाता कपिल भगवान की बाल्यकाल अवस्था नहीं बताई गई, सीधे वे उनके थोड़ी पौगंड अवस्था का वर्णन किया गया। कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, कर्दम ऋषि आज्ञा लेकर के वन में चले गए और कपिल भगवान आज बैठे थे। देवहूति माता के मन में आया, मेरा पुत्र भगवान है, मैं एक जीवात्मा हूं, ये परमात्मा है, क्यों ना अपने जीवन के कुछ संशय इनसे पूछ लिए जाएं आज। और यही है बंधुओं सांख्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवहूति माता प्रश्न कर रही है और भगवान कपिल उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अपने पुत्र का तिलक किया, माला पहनाई, प्रणाम किया। कपिल भगवान बोले, मैया क्या कर रही हो? बोले कि अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं आपकी मां हूं, आप मेरे पुत्र हो, आप परमात्मा हो, मैं जानती हूं, मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, कुछ प्रश्न हैं आपसे, कृपा करके उनका उत्तर दो। और यहीं से कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता है। देवहूति माता ने सबसे पहला प्रश्न भगवान कपिल से किया कि निर्विणानित राम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बहुत सावधानी से सुनो, देवहूति माता कहती है, भगवान आपने हमको शरीर में 10 इंद्रियां क्यों दी हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं बंधुओं? 10, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय। देवहूति माता ने कहा कि आपने इन असद इंद्रियों को हमको क्यों दिया ठाकुर जी? क्यों? क्योंकि हम पूरे दिन इन असद इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। आंखों को जो चाहिए वो आंखों को दिखाएंगे, कानों को जो चाहिए वो सुनाते हैं, जीव को जो चाहिए खिलाते हैं, हाथ को जो चाहिए स्पर्श कराते हैं, पैरों को जो चाहिए पहनाते हैं। अपनी सर्वांगीण इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में ही मानव लगा रहता है और इन्हीं की इच्छा पूर्ति में ही मानव पाप कर बैठता है। नाथ, इच्छा पूरी करते 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 मानव का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन इन इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। नाथ, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों को एक ठौर मिले, जिससे हमारी इंद्रियां शांत हो जाएं, हमारी इंद्रियों की कोई अभिलाषा ना रहे? समझ रहे हैं प्रश्न? समझिएगा तभी आगे बढ़ें, बिना समझे आगे का फिर विषय और कठिन आए। देवहूति माता का सीधा प्रश्न है, एक बार रसगुल्ला खा लिया तो फिर दोबारा इच्छा क्यों होती है खाने की? जब एक बार हमने भोग को भोग लिया तो मन में बार बार इच्छा क्यों प्रकट होती है? नाथ, ये इच्छा हमारी कैसे समाप्त होगी? शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। व्यक्ति भोग भोगने से प्रारंभ करता है और भोगते 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 एक समय ऐसा आता है
कि फिर वो भोग को नहीं भोगता, भोग उसको भोगता है। एडिक्टेड लोग जो होते हैं किसी भी विषय के प्रति, वो स्टार्टिंग में एडिक्शन उनका होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो उनकी आदत बन जाता है। मतलब अब भोग उनको भोग रहा है, वो भोग को नहीं भोग रहे। तपो न तपता वयमेव तपता, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में मृत्यु के बाद जलाने का विधान क्यों है? क्यों? क्योंकि जीवन भर तो मानव ने तप किया नहीं, जीवन भर तो केवल वचन देता रहा, ठाकुर जी ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, ये हो गया तो ऐसा करूंगा, करता कुछ है नहीं, भजन साधन उससे होता नहीं। इसलिए जीवन भर के उसके जितने वचन हैं, जीवन भर तप किया नहीं, इसलिए अंतिम काल में उसको तपा दिया जाता है, उसका सारा तप पूर्ण हो जाता है। एक ऐसी विधा है। बाकी मूल तो बात यह है कि हमारे शरीर में पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व हमको उधार में मिलते हैं। बहुत सुंदर पूरा सर्कल है, मैं सुनाऊं थोड़ा सा। हमको मानव शरीर कैसे मिलता है? जब जीव 84 लाख योनियों में कर्म की गति भोग रहा होता है तो हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, एक बार मानव बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मौका है 84 लाख से बचने का, और किसी जन्म में हम बच नहीं सकते, केवल मानव बन के ही बचा जा सकता है बार बार जन्म लेने से। ठाकुर जी एक बार मानव बना दीजिए ना। ठाकुर जी कहते नहीं, अभी छिपकली बनो जाओ, किसी के घर के बन गए, फिर वहां से मृत्यु होती, अब तो बना दो। बोले नहीं, अभी चींटी बनो जाओ, किसी के पांव रखने से मर गए, अब तो बना दो। नहीं, अभी तुम चूहा बनो, अभी ये बनो। कर्म के अनुसार हम बनते रहते हैं। बहुत प्रार्थना जब हमारी हो जाती है तब ठाकुर जी कहते हैं चलो मानव बनना है। बोले जी ठीक है। तब भैया 5 बैंक आती हैं लोन देने के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5ों से ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, और उस जीवात्मा को दिया जाता है शरीर के रूप में। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से हमारा शरीर बनता है। लेकिन ये 5ों की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? बोले ये शरीर बना के हम तुमको दे तो रहे हैं, पर लोन ब्याज के सहित हमको वापस करना। मतलब मृत्यु में अंतिम संस्कार जो है ये हमने पंच तत्व वापस कर दिए, लेकिन ऐसे ही वापस कर दिए नहीं, लोन उसके साथ में ब्याज भी देनी पड़ेगी। ब्याज क्या है? बोले हमारा शरीर, पृथ्वी कहती है मेरा तत्व, अग्नि कहती है मेरा तत्व, हम सबके तत्वों से ये शरीर हम तुमको दे रहे हैं, इसको शुद्ध नदियों में स्नान कराना, मंदिर ले जाके भगवत दर्शन कराना, संतों की इससे सेवा कराना, इससे बढ़िया शुभ कार्य करवाना, कथाएं सुनना, अच्छे अच्छे परोपकार जीवन में अपने करना, तीर्थों में जाना, खूब अच्छे अच्छे कार्य करवाना, ताकि दसों दिशाओं में इस शरीर की खूब प्रतिष्ठा हो जाएगी, भाई इस व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत श्रेष्ठता से जिया। और दसों दिशाओं में हो ना हो, ठाकुर जी कहें कि ये मेरा भक्त है। ये लोन के साथ में ऋण जब हमको वापस करो तो उसके साथ ये ब्याज हमको देना कि इसने बहुत भजन किया, बहुत कथा सुनी। लेकिन व्यक्ति का जब शरीर जलाया जाता है उस समय 5ों तत्व आते हैं अपने अपने तत्व को लेने, तो वायु वायु में चली जाती है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में। लेकिन वे सब बोलते हैं बोले तुमने वापस तो किया, लेकिन ब्याज कहां है? ब्याज तो दी नहीं, ऊपर से शराब पीते थे, हैं जीवों को मार के खा जाते थे, दूसरों का पैसा हड़प लेते थे। इन सब से क्रोधित होकर के पंच तत्व भगवान से कहते हैं कि आपके विश्वास पर हमने इसको शरीर दिया, अब आप बताओ इसकी अधोगति क्या होगी। तब ठाकुर जी कहते हैं इसको पुनश्च, पर नरक स्वर्ग तो भेजा वो तो अलग बात है, पर उसके अलावा फिर ठाकुर जी फिर से 84 लाख योनियों में उसको भटकाते हैं, ये बन ये बन ये बन ये बन ये बन। इसलिए मानव शरीर मौका है बंधु, इसलिए हमारा शरीर जलाया जाता है, क्योंकि पंच तत्व अपना अपना तत्व लेने आते हैं
और विद इंटरेस्ट हमको उनको वापस करना है, और ये इंटरेस्ट ही ले रहे हो अभी जो आप कथा सुन रहे हो, गंगा में स्नान कर रहे हो, यमुना जी में, ये सब ब्याज ही चुका रहे हो। तपो न तपता वयमेव तपता। तो मूल बात द्विभूति माता कहती है कि नाथ हमारी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती, इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरी इंद्रियां शांत हो जाए। तब भगवान कपिल यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो ने श्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मां संग दोष, आपकी इंद्रियों के असद होने का कारण आपका संग है। व्यक्ति जब वैष्णवों का संग करेगा, आध्यात्मिक लोगों का संग करेगा, पुरुषार्थी लोगों का संग करेगा, सदा उन लोगों का संग करे जो सदा वैष्णव भाव में ही रहते हैं मैया, तो निश्चित है उसका प्रभाव मन पर पड़ता ही है। व्यक्ति को अपना संग सुधारना पड़ेगा, संग सुधरेगा तभी मैया उसकी ये सारी इंद्रियां शांत होती चली जाएंगी। आप कहोगे प्रमाण, मनगणंत बातें कर रहे हो केवल व्यासपीठ पर बैठ के, प्रमाण दें। 4 बजे से आप लोग बैठे हो, कथा सुन रहे हो, किसी एक्टर का स्मरण हुआ बीच में, किसी फिल्म का स्मरण हुआ बीच में, समोसा फाफड़ा जलेबी किसी का स्मरण हुआ बीच में, संसार की किसी भी स्थिति का स्मरण हुआ बीच में, हुआ होगा, मुझे नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। और मुझे ऐसा पता है यहां भले ही 500 लोग बैठे हों, उसमें से 10-15 लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा, बाकी किसी का मैं नहीं कह सकता, सबकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। लेकिन निश्चित है कि संसार के विषयों का जितना स्मरण बाहर हो रहा है यहां नहीं हो रहा होगा। कहां तक कहें, आदमी ये तक भूल जाता है कि मेरी पत्नी बैठी है, मेरा बेटा भी बैठा है, इतना उन्मत्त हो जाता है कथा में। सोचो 3 घंटे की कथा जब विषय से हमको दूर कर सकती है, जीवन भर ही कथा से सत्संग से युक्त जीवन हो जाए तो क्या विषयों का स्मरण होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। विषय का संग करोगे तब विषय की स्मृति ज्यादा होती है, विषय संग त्यागोगे। और एक और बात, ये त्यागना और पकड़ना भैया ये शरीर का विषय नहीं है, ये मन का ही विषय है। आप शरीर से किसी को त्याग दो फिर भी मन उसको नहीं त्याग पाता है। हमारे वृंदावन में अनन्य रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को प्रकट किया, उनके चरित्र में कई सारे आश्चर्य भी सुनाई देते हैं और कई सारे वो कह दें तो क्या बोलते हैं उसको, चमत्कार। करते नहीं थे वो, अपने आप होते थे। तो एक दीनहीन से ब्राह्मण, उन्होंने बड़ी तपस्या की और तपस्या करके देवताओं से उन्होंने एक पारस मणि प्राप्त की, उनका नाम था दयाल दास। पारस मणि जब उनको मिल गई तो पारस मणि के बारे में सब जानते हैं कि लोहे से छुबा दो स्वर्ण कर देती है, लेकिन वो ब्राह्मण क्या करते थे, लोहे से छुबाते उसको स्वर्ण बना के फिर उससे कुछ तो उपभोग करते और कुछ दान पुण्य करते। द्वारिका गए तो वहां जाके कुछ बनवाया है, बद्रीनाथ गए वहां कुछ कर आए, इस प्रकार दान पुण्य खूब करते थे।
लेकिन पता नहीं क्यों उनके मन में शांति नहीं थी अपनी क्रियाओं से। तो एक बार श्री दयाल दास जी महाराज भ्रमण करते करते वृंदावन जब आए तो स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मैंने बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, मैंने बहुत संतों की सेवा की, बहुत वैष्णव समाज की सेवा की, मैंने तीर्थों में खूब सारे निर्माण करवाए आश्रमों के आदि आदि सब कुछ, पर पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बोले, दान पुण्य करने वाला व्यक्ति यदि बखान कर रहा हो तो समझ जाओ कि अभी कर नहीं रहा है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। और स्वामी जी तो जानते ही थे सब, उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पास में वो है एक वस्तु है, बोले हाँ, अभी जाओ और जाकर के यमुना जी में स्नान करके उसको यमुना जी में विसर्जित कराओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अब वो जा तो रहे थे, अब दिक्कत का कारण थी तो पारसमणि ही, जा तो रहे थे लेकिन बार बार घबरा भी रहे थे, कल को चली जाएगी, इससे संत सेवा होती है, इससे ये सब होता है, कैसे होगा। पर स्वामी जी की आज्ञा मान के चले गए, यमुना जी में स्नान किया और पारसमणि को वहीं पधरा दिया। तन से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए, मन से सदा उसकी स्मृति बनी रहती थी, उसका चिंतन बना रहता था। और उसका परिणाम ये कि संतों के बीच में रहते हुए भी उनके हृदय में भाव नहीं जग रहे थे। एक दिन पुनश्च रोते हुए स्वामी जी से कहा, अब तो मैंने वो भी कर दिया जो आपने बताया था लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। स्वामी जी बोले, तुमने पारसमणि का त्याग कर दिया कि नहीं, मन से त्यागा कि नहीं, तुम अभी भी मन में उसी का चिंतन करते हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसी का अहम रहता है कि मेरे पास पारसमणि थी, मैं ऐसा करता था, ऐसा आज भी होती तो ये कर देता। तुम मार्ग से भी निकलते हो, किसी को देखते हो तो भी तुम्हारे मन में आता, अगर मेरे पे मणि होती तो इसको मैं ऐसा कर देता। तुम कहीं कुछ टूटा हुआ देखते हो तब भी तुम्हारे मन में होता, मणि होती तो इसको भी ठीक करवा देता। हर समय तुम्हारे चिंतन में मणि मणि चलती रहती है। बोले हाँ। बोले जब तक चिंतन से नहीं निकालोगे तब तक तुम शांत नहीं हो पाओगे। सुनो, सामने रज उठाओ। दयाल दास जी ने जैसे ही रज उठाई और रज उठा करके कहा कि अब हमारे सामने इसको छोड़ दो, उठाई तो रज थी लेकिन जैसे ही छोड़ी तो जितने कण थे उतनी उतनी पारसमणियां प्रकट हो गई और कहा, इसमें से जौन सी तुम्हारी हो ले जाओ। दयाल दास जी के हृदय का मोह दूर हो गया। अब जाकर के हृदय से मणि निकल गई, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा। बोले अब भजन करो। जब चित्त से मणि का भाव निकला तब दयाल दास जी भजन में प्रवृत्त हुए। हम कई बार किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं लेकिन चिंतन उसका नहीं छूटता। धन ऐसा नहीं आना चाहिए, मणि ऐसी नहीं आनी चाहिए जो चिंता प्रकट करे। धन ऐसा कमाओ, मणि ऐसी कमाओ जो चिंतन में लगाए, चिंता में नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसी मणि है वो चिंता से दूर करती है, चिंतन में लगाती है। भजन ऐसी मणि है वो चिंता से निवृत्त करके चिंतन की ओर प्रविष्ट करती है। साधु संग, वैष्णव संग, भगवत संग, सत्संग ऐसी मणि है वो चिंतन में हमको लगाती है, वो चिंता में कभी नहीं रहने देती। वैष्णव को कभी चिंता नहीं होती, और चिंता हो रही है तो मतलब वैष्णव नहीं है। भगवान कहते हैं, मैया जब तक आप अपना संग नहीं सुधारोगी तब तक आपका मन नहीं सुधरेगा। आध्यात्मिक योग को भली भांति जानने वाले लोगों का संग करना प्रारंभ कर दो, उसके बाद ही आपके चित्त में ये जो विषयों के, ये जो इंद्रियों की इच्छा पूरी ना होने का जो दुविधा है यही बनी रहेगी। और मैया आपने एक शब्द कहा, असद इंद्रिय, आपने इन इंद्रियों को असद कहा, आंख नाक जीभ कान हाथ पैर त्वचा गुप्त इंद्रिय, इनको असद कहा, इनको असद मत कहिएगा मैया। क्यों?
आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन भी नहीं हो पाता, कान नहीं होते तो मेरी कथा भी नहीं सुन पाती, हाथ नहीं होती तो मेरी सेवा भी नहीं हो पाती, पैर नहीं होते तो परिक्रमा भी नहीं कर पाते। ये इंद्रियां जिनको आप असद कह रही हो, इन्हीं इंद्रियों से मेरी प्राप्ति भी होती है, तो इन इंद्रियों को असद मत कहो। वास्तव में मैया बात यह है, इंद्रियां नहीं बिगड़ी हैं, बिगड़ा हुआ है मन। मतलब आपकी 10, भगवान कह रहे हैं आपके 10 दासियां हैं, पर वो 10 दासियां हैं तो आपकी, लेकिन मानती किसी और के ऑर्डर्स हैं। आंख नाक कान और ये समस्त 10 इंद्रियां दासी तो हमारी हैं, लेकिन ऑर्डर्स किसके मानती हैं? मन के। मैया आप इंद्रियों को मत सुधारो, मन को सुधारो। मन सुधर गया तो इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। और मन कैसे सुधरेगा? उसको जैसा संग दोगे, जैसा वातावरण दोगे, जैसी अवस्था व्यवस्था दोगे, वैसा मन होता चला जाए। अब लोग बाग कहते हैं आप कलरफुल बगलबंदी क्यों नहीं पहनते? मेरा पता नहीं स्वभाव है, मैं ज्यादा चटकदार कपड़े पहन लूं तो मुझसे कथा नहीं होती, मेरे को विचार ही नहीं आते कथा में। ये एक सात्विक भेष है और इस सात्विक भेष में विचार शुद्ध आते हैं, इसलिए सात्विक वस्त्र पहनता हूं। और ये वस्त्र किसी को रिझाने के लिए, इससे कोई रिझता भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंप्रेस हो जाता हो इन कपड़ों से। ठाकुर जी जरूर प्रसन्न होते हैं, हाँ वो रिझते। तो ये किसी को रिझाने के लिए नहीं है, तो यहीं पर ही इनकी सांसारिक जो स्थिति है वो नष्ट हो जाती है इन वस्त्रों की। ये आपको या किसी और को रिझाने के लिए नहीं है, ये पहना है क्योंकि इससे सात्विक भाव उत्पन्न होता है और इसको पहन करके हम ठाकुर जी के कुछ हैं, ऐसा प्रतीति सी होती है, इसलिए ये वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसमें किसी संसार के व्यक्ति के रिझवार की कामना नहीं है, इसलिए ऐसे वस्त्र पहनना भी एक सत्संग है। चिरपाल परिवार कथा करा रहे हैं, आज चौथा दिन है, 8 दिन की कथा, 4 दिन और बचे। आप सब लोग जो प्रसाद पा रहे हो वो भी भागवत जी का ही पा रहे हो। आप लोग भले ही अपने बिजनेस भेष में रहते होंगे, लेकिन 7 दिन से आप सब भी कुर्ता पहन रहे हो, पजामे पहन रहे हो, बढ़िया बिल्कुल सात्विक वस्त्र पहन रहे हो, तो निश्चित है आपकी बुद्धि और मति में पिछले 4 दिन से और अगले 4 दिन तक विचारों की शुद्धि बनी हुई है। इसका मतलब हम जैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसा अन्न खाते हैं, जैसा श्रृंगार करते हैं, जैसे यह भी एक संग कहलाता है, इससे भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। मैया इसलिए मन को जैसा वातावरण दोगे, जैसी स्थिति दोगी, मन वैसा होता चला जाएगा। आपको लगता है कि मन बहुत ज्यादा विचलित है तो मन के संग को सुधारो। स्वामी श्री हरदास जी का भी बात आई, उनका एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। स्वामी श्री हरदास जी बिहारी जी का कभी कभी 56 भोग लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना, 56 भोग लगाते तो 56 भोग में खीर बनती, रबड़ी बनती, पूड़ी बनती, मालपुआ बनते, सब्जी बनती, जलेबी बनती, सब बनती। लेकिन स्वामी जी ने एक नियम बना दिया था, 56 भोग लगाने के बाद सबसे पहले 56 भोग का प्रथम भाग ब्रजवासियों को बांटते थे, दूसरा भाग ब्रज के गौ माता को बांटते थे, तीसरा भाग ब्रज में रहने वाले संतों को देते थे, चौथा भाग बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को देते थे। स्वयं स्वामी जी क्या पाते थे? स्वामी श्री हरदास जी, तो उनके विषय में वर्णन आता है कि स्वामी जी एक सींख उठाते थे और खीर में उसको डुबोते और खीर से सींख निकाल के जितना सींख में आता उतना पाते थे। किसी ने कहा स्वामी जी ये तो प्रसाद है, प्रसाद तो आप पा सकते हो। बोले प्रसाद बनायो लाला के सुख के लिए बनायो, अपनी जीव के सुख के काजे थोड़ी बनायो है, लाला को सुख मिले या हमारे बनायो है, और जीव को जितना चाहिए उतना ले लियो। अरे भैया जीव बड़ी खतरनाक है, या को बढ़िया बढ़िया खवाओगे तो सदैव बढ़िया बढ़िया खावे को ही मन करेगा या को, इसलिए उतने में ही काम चलाते थे। मतलब कितना संयमित जीवन एक वैष्णव का हो जाता है। मैया
मन उतना ज्यादा फिरेगा, उतना ज्यादा विचलित रहेगा जितना ज्यादा उपभोग उससे करवाओगे। इसलिए संयमित रहो और उसके लिए संग सुधारो। मैया ने पूछा, मुझे किसका संग करना चाहिए, कुछ गुण बता दीजिए, ऐसे गुण वाले व्यक्ति का मुझे संग करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, पांच गुण हैं, नोट कर लो, जिसके अंदर ये पंच गुण हो उसका संग करो। और भगवान कपिल कह रहे हैं कि तितिक्षव कारुणिका श्लुहिदं सर्वदेहिनां अजात सत्रवह शांता साधवह साधु भूषणा। तितिक्षव कारुणिका श्रुहिदः सर्वदेहिनाम। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन लक्षणों को सुनकर के जरा आसपास के लोगों को देखना, किसी में है ये लक्षण? सबसे पहला तितिक्षुता। तितिक्षुता मतलब सहनशीलता। मां, हम जिसका संग करें उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अच्छा, किसी के सहनशीलता का पैरामीटर नापना हो तो कैसे पता करोगे, बताओ? उसके एक बार एक आध अवगुण जाके उसके मुंह पे बोल दो, तुम ना बहुत लोभी लगते हो हमको, बस तुम्हारे ना रूप में से काम झलकता है। दो चार बातें उसकी ऐसी बोल, आप अपनी भाषा में बोलना, मेरी भाषा में मत बोल देना, नहीं तो क्या पता गुस्सा ही नहीं आए। तितिक्षुता, हम जिसका संग करें वो सहनशील होना चाहिए। पहला गुण। दूसरा गुण, हम जिसका संग करें उसके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा, कारुणिका। तीसरा, हम जिसका संग करें वो सबका भला चाहने वाला होना चाहिए। केवल मैं, मेरा परिवार खुश रहे, बाकी सब जाओ कहीं भी, मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं, सबका भला चाहे। श्रुहिदः सर्वदेह नाम। और चौथा गुण, अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। और पांचवा गुण, मौन, शांता, कम बोलने वाला होना चाहिए। ये पंच गुण किसी में दिखे आपको अपने आसपास? दिखे नहीं, क्यों? क्योंकि हम में ही नहीं है, तो फिर दूसरों में कहां से होगा? आप दूसरों को देख रहे थे जब मैंने बोला कि अगल बगल में देखो, आपने खुद से पूछा इनमें से पांचों में से एक भी गुण मेरे भीतर है? सहनशीलता, क्या हम सहनशील हैं? नहीं। दया, क्या वास्तव में हमारे अंदर दया है? नहीं। क्या वास्तव में हम सबका भला चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। कोविड में यह भी पता चल गया था, पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ पता चला। नोटबंदी जब हुई थी तो जिनके पास जहर खाने को पैसे नहीं थे उन पे भी 10-10 लाख रुपए निकल आए थे, बहुत कुछ पता चलता। कोविड जब आया तब पता चला कि भाई कौन किसका सगा, कौन किसका प्रेमी, जिससे गले से लिपट के मिलते थे उससे भी कहते थे भैया आप मास्क लगा के आना, सैनिटाइज करो हाथ पहले। मुझे आज भी याद है कि 21 मार्च 2020 को मैं पटना से कथा करके लौटा था, उसी दिन लॉकडाउन लगा था। एक प्रकार से हमारा फ्लाइट लास्ट फ्लाइट था दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला। एयरपोर्ट पर सब हम लोगों को ऐसे देखा कि हम ही सचल कोरोना, हम ही हैं। और अपने आप से भी ऐसी स्थिति लगे कि भाई हम खुद को ही ना छुएं। वृंदावन तक, दिल्ली से वृंदावन तक मुझे एक बार भी उबासी भी नहीं आई, क्योंकि इतना डर रहा था कि हाथ भी पास नहीं ला रहा था। घर जब आए, बहनें, माता पिता सब ऊपर छत से देख रहे हैं हमको, नीचे गर्म पानी धरे, पहले नहा लो। गर्म पानी में नहा लिए, बोले हाथ सैनिटाइज कर लो।
ऊपर सीढ़ी लगा दी है, छत पर चले जाओ, 7 दिन बाद नीचे उतर के आना, वहीं भोजन मिल जाएगा। मैंने कहा इतना भी पराया मत करो भैया, आपके ही बालक हैं, आपके ही घर के बच्चे हैं भैया। लेकिन उस समय पता चल रहा था कौन अपना। तो श्रुहिदः सर्वदेहिनाम, सबका भला चाहने वाला हो, सहनशील हो, दयावंत हो, सबका भला चाहने वाला हो, उसका कोई शत्रु ना हो, और पांचवा वो शांत रहता हो। बंधुओं, मैंने कुछ कथाओं के बाद में ये एनालाइज किया कि ये गुण मुझे किसी में नहीं मिले, और क्यों? क्योंकि ये गुण हमारे अंदर भी नहीं है। लेकिन भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि मन को यदि एकाग्र करना है, इंद्रियों को संभालना है मैया, तो ये पंच गुण तो किसी ना किसी रूप में आपसे इनका स्पर्श होना चाहिए। तो क्यों ना इन पंच गुणों को हम ही लेके आए अपने अंदर। हम दूसरे से अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि उसमें होगा तो हम उसका संग करें, खुद में लाओ। और एक और बात, इन पंच गुणों को आप कैसे लाएं, इस पर भी थोड़ा एनालाइज ऐसा किया कि अगर हम नीचे से प्रारंभ करें तो ये गुण हमारे भीतर आ सकते। जैसे पहला गुण बताया सहनशीलता, फिर बताया दया, सबका भला, फिर अजात शत्रु, और फिर शांत। यदि नीचे से शुरू करोगे, मतलब पहले शांत रहना शुरू करो, मौन रहना प्रारंभ करो, कम बोलना प्रारंभ करो। निश्चित है आप कम बोलोगे तो, संस्कृत का एक सूत्र है, मौने च कलह नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसका कभी कलह नहीं होता, उसकी कभी लड़ाई नहीं होती। क्यों? मौन ही बैठा है तो लड़ाई क्यों होगी? लड़ाई ज्यादा उन्हीं की होती जो बोलते बहुत हैं, बहुचल्पिक लोग। मौन रहो। तो नीचे से प्रारंभ करो, मौन रहना प्रारंभ करो। आप मौन रहना शुरू करो, अपने आप अजात शत्रु, आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। और जब अजात शत्रु बन जाओगे, किसी से शत्रुता नहीं होगी, किसी से बैर नहीं होगा, तो फिर तीसरा लक्षण, सबका भला अपने आप चाहोगे। और जब सबका भला चाहोगे तो जरूरी है कि दया तो आ ही जाएगी। और जब शांत हो जाओगे, अजात शत्रु हो जाओगे, सबका भला चाहोगे, दया करने लगोगे, तो सहनशील भी बन जाओगे। ये पंच गुण, मां, ये पंच गुण जिस दिन जीवन में आ जाएंगे उस दिन आपकी इंद्रियां शांत नहीं प्रशांत हो जाएंगी। जो मिलेगा आप स्वीकार करोगे, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी हृदय में कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं परेशान। कोई व्यक्ति सुबह सुबह रो रहा था, रो नहीं रहा था मतलब चेहरे से दुखी था, पूछा भाई क्यों दुखी हो? अरे क्या करें, घर में तकिया बढ़िया थी, यहां की तकिया थोड़ी भारी सी, गले में थोड़ी वो आ गई है अकड़न सी, इसी बात से दुखी है। क्यों दुखी हो? बोले आज हमारे रसोईया ने दाल में थोड़ा सा नमक कम डाला, इसीलिए दुखी है कि भोजन बढ़िया नहीं बना, इसीलिए दुखी है। छोटी छोटी बातों पर ही दुखी है। लेकिन ये पंच गुण जिस दिन आ जाएंगे, अपने आप समत्व आने लग जाएगा। छोटी छोटी बातों को आप अपने आप लेट गो करोगे, नजरअंदाज करोगे, उस पर दुखी नहीं रहोगे, अपने आप व्यवस्थित होगा जीवन। मां, इसलिए ये पंच गुण, इन पंच गुणों के बीच में मन को रखना बहुत आवश्यक है। और किसी में ढूंढने की अपेक्षा अपने भीतर लाओ। भगवान कपिल के इस भाव को सुनकर के माता देवहूति प्रसन्न हो गए। और जैसे ही मन निग्रह होना प्रारंभ होगा मैया, तो क्या होगा? बोले प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावृतम। जैसे ही इंद्रिय निग्रह होना प्रारंभ होगा, अपने आप मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। इस प्रकार मैया ने यह प्रश्न किया और ठाकुर जी ने उसका उत्तर दिया। आगे मैया ने मन को एकाग्र करने के और साधन पूछे ठाकुर जी से। तब भगवान ने कुछ वैदिक साधन, कुछ आध्यात्मिक साधन और कुछ क्रिया के साधन बताए।
ठाकुर जी ने वैदिक साधन बताया, मैया हमारे शरीर में 21 तत्व होते हैं। अभी बहुत गहरा विषय है पर फिर भी थोड़ा कहूं, 25 तत्व होते हैं हमारे शरीर में। पंच विंशति तत्वज्ञ यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। मां हमारे शरीर में 25 तत्व हैं और इन 25 तत्वों को जिस व्यक्ति ने भली भांति समझ लिया वो फिर चाहे जटा रखे, चाहे शिखा रखे, चाहे गुडमुंडा रहे, चाहे बाल बड़े बड़े बना के रखे, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो मुक्त हो चुका है। नात्र संशय, कोई संशय नहीं इस बात में। जिसने 25 तत्वों को समझ लिया वो कैसे भी रहे, क्योंकि फिर वो रहना केवल एक आडंबर के रूप में करेगा, वास्तविकता तो कुछ और है। हमारे ब्रज में एक संत हैं, अब उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप सब उनके पीछे पड़ोगे। अब दो चार गुण बता दूंगा तो कई लोग तो पहचान ही जाएंगे कौन है। उनका गुण यह है कि वो निरंतर हवाई जहाज में घूमते रहते हैं, उनका काम ही यही है, उनकी साधना का क्रम ही यही है। एवरी डे, हर दिन हवाई जहाज में जाते हैं, बिजनेस क्लास में ही जाते हैं, एक झोला में ही जाते हैं और केवल धोती और एक कपड़ा ही पहनते हैं बस। और कहां तक कहें, एक बार वृंदावन में बैठे थे तो कोई व्यक्ति ने प्रणाम किया, उससे बोले कहां से हो भैया, बोले महाराज जी मैं हॉलैंड से हूं। बोले अच्छा हॉलैंड में कहां से हो, बोले उसने अपना एड्रेस बताया। उसने कहा महाराज जी कभी आए हॉलैंड तो हमको बताइएगा। उनके पास वो कीपैड वाला फोन रहता छोटा सा। अब वो व्यक्ति भारत से चला गया तो हांगकांग और बाबा पहुंच गए हॉलैंड। उसके घर के बाहर जाके फोन किया, कहां हो भैया तुम, बोले बाबा मैं तो हांगकांग में हूं। बोले हम तुम्हारे घर के बाहर खड़े हैं। बोले अरे, उस व्यक्ति ने अपने फोन में सीसीटीवी कैमरा खोल के देखा तो बाबा बाहर ही खड़े थे। बोले महाराज जी मैं तो घर पे हूं ही नहीं। बोले कोई नहीं, मेरी 2 घंटे में फ्लाइट है, अमेरिका जा रहा हूं। बोले आप अमेरिका से कब लौटोगे, बोले अमेरिका पहुंचूंगा 4 घंटे बाद, फिर भारत की फ्लाइट है। बोले अमेरिका जा क्यों रहे हो, बोले लघु शंका करने। ऐसे महात्मा वो है महात्मा। लेकिन अब ये एक अंतरंग बात है, फिर भी मैं मंच से कह देता हूं, आप कभी भी उनसे पूछोगे वो हमेशा उल्टा जवाब देंगे आपको। उनसे कहोगे महाराज जी आप इतना हवाई जहाज में क्यों घूमते हो, तो कहेंगे परियों को देखने आता हूं आकाश में। उनसे कहो महाराज जी इतना पैसा कहां से आया आपके पास, बोले कुबेर मेरा चेला है, मेरे पास ही बैठा रहा। हमेशा उल्टा जवाब देते हैं, कभी भी ये नहीं बताते कि मैं साधना कैसे करता हूं। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति, अपनी भक्ति को छुपाना। एक दिन एक बार कहीं कथा में गए तो कथा में उनसे कहा कि महाराज जी कुछ प्रवचन करो, तो माइक लेते ही बोले मैं एक श्लोक सुनाऊंगा, श्लोक बस एक श्लोक ही कहूंगा, उसके बाद मुझे जाना है। तो कहा महाराज जी आप वो श्लोक ही सुना दो। तो श्लोक क्या सुनाया, आपके दिल ने हमें आवाज दी और हम आ गए, हमको ले आई मोहब्बत आपकी हम आ गए। मैंने कहा महाराज जी श्लोक है, बोले हाँ ये श्लोक है। कैसे है, मतलब अपने अपने स्वभाव को छुपाते हैं, अपनी भक्ति को छुपाते हैं, अपनी योग्यताओं को छुपाते हैं। उनको देख करके कोई सामान्य साधारण व्यक्ति को तो लगेगा अरे ये बाबा के रूप में कौन घूम रहे हैं, लेकिन असलियत कोई पहचान ही नहीं पाया कि वो छुपाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत सांसारी हैं, लेकिन अंदर से पूर्ण भक्ति भाव में रहते। तो जो 25 तत्वों को जान ले वो फिर कैसे भी रहे वो मुक्त है, नात्र संशय, संशय की बात है। लेकिन भगवान ने फिर यहां पर अष्टांग योग बताया, मन को स्वस्थ रखने के, एकाग्र करने के 8 प्रकार के योग हैं। कौन कौन से, ये योग प्राणायाम वाले नहीं है, कौन से योग हैं, अष्टांग योग, यम
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, अष्टांग योग। बंधु थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं जितना गुरु बुद्धि से मुझे प्राप्त है, किन अष्टांग योगों के विषय में प्रवचन करके जाना कि पांच आसन ऐसे हैं अष्टांग योग के जो आपको करने हैं, तीन आपको अपने आप मिल जाएंगे, आपको केवल पांच करने। सबसे पहला यम, सबसे पहला है यम। यम किसे कहते हैं? आपकी जो इच्छा प्रकट हो, जैसी इच्छा प्रकट हो उस इच्छा को पूरा ना करके उस इच्छा से विपरीत वस्तु अपने मन को देना, ये यम है। जैसे कि चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, बहुत मन हो रहा है, चॉकलेट चाहिए, तो क्या करो? बंधुओं मन को नहीं चाहिए, मन को चाहिए चॉकलेट, जीव को नहीं चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। चॉकलेट की इच्छा प्रकट हुई तो आपने कुछ अन्यत्र वस्तु पा करके अपनी जीव को शांत किया। बहुत सावधानी से सुनो, मतलब यम किसे कहते हैं? मन की जो इच्छा हो उस इच्छा से विपरीत वस्तु मन को प्रदान करके अपने मन को मान लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा हो रही है, कुछ कोल्ड ड्रिंक जैसा पीना है, कोल्ड ड्रिंक घर में है भी, फ्रिज में रखी है, लेकिन आप जबरदस्ती क्या करो, नींबू लेके जाओ, पानी में निचोड़ो, नींबू पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। विपरीत वस्तु मन को देना एक प्रकार से मन को ये इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति मेरे वश में नहीं है, मैं इच्छा कुछ कर रहा हूं, ये दे कुछ और रहा है मुझको, इसको कहते हैं यम। हमारे पूज्य पिताजी कथा में गाते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यम करो पर भजन के साथ करो, अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु देना। मन हो रहा है बर्गर खाना है लेकिन घर में बने करेला, जबरदस्ती करेला ही खाओ, मुंह कड़वा करो करेला खा करके, इससे मन को ये मैसेज पहुंचेगा कि ये व्यक्ति मेरे वश में नहीं है। संयम, अपनी इंद्रियों पर संयम करना, जबरदस्ती उसको कहना तेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए, तू मेरी है, मैं जो चाहूंगा वो तू खाएगी, ये संयम, इसी को कहते हैं यम। अष्टांग योग का पहला योग यम। दूसरा बंधुओं, यम को और पुष्ट करने के लिए क्या है? नियम। व्यक्ति के, हर व्यक्ति के जीवन में एक नियम होना चाहिए। आप सबसे प्रार्थना, कोई भी एक नियम बनाइए, बनाइए जरूर, और सद नियम। उस नियम के रूप में यह नहीं होना चाहिए कि सुबह रोज चाय पिए बेड पे ही, ठीक है पियो, पर एक सद नियम भी बनाओ। और वो सद नियम क्या हो? कुछ भी हो, जैसे राम जी का नियम क्या है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी तो राम जी जब 14 वर्ष वन में थे तब क्या करते थे? भाई हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में शरीर की उपस्थिति को विशेष नहीं मानते, मन की उपस्थिति को विशेष मानते हैं। राम जी वहां भी कुटिया में रोज सुबह उठते हैं, नेत्र बंद करके कौशल्या जी, सुमित्रा जी, केकई मैया का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, दशरथ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी का स्मरण करके प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से प्रणाम करते हैं, ये उनका एक सद नियम है। ऐसे ही बंधुओं सुंदर कोई ना कोई नियम बनाओ, कल से ही शुरू करो। मैं भोजन नाश्ता तब तक नहीं करूंगा जब तक ये नहीं कर लूंगा, एक नियम बनाओ, वो नियम आपके यम में सहायक बनेगा। तो पहला अष्टांग योग यम, दूसरा नियम, तीसरा प्राणायाम।
कुंभक, पूरक और रेचक तीन विधा है। एक श्वास नली को बंद करो, एक श्वास नली को खोल के उससे श्वास भीतर लो, लेकिन जब श्वास भीतर लो तब भगवान का नाम उच्चारण करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, दोनों नासिका बंद करो। जितनी देर ब्रह्म रंध्र में वो वायु रहे उतनी देर फिर भगवान का नाम करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर दूसरी नासिका छिद्र को छोड़ते हुए पुनश्च वही नाम गाओ। ये मन को एकाग्र करने का भी एक प्राणायाम है। अभी हम अनुलोम विलोम करते हैं, बस श्वास छोड़ने और लेने पर ही ध्यान केंद्र रहता है, पर अब ये बदलो, उस क्रिया के मध्य में भगवत नाम भी गाओ, भगवत नाम स्मरण भी करो। जब लग रहा हो मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, काम में नहीं लग रहा, किसी चीज में नहीं लग रहा, हमारी कही एक बात, बहुत देर तक नहीं करना, 3-4 बार कर लो। लेकिन कैसे? भगवत नाम स्मरण करते हुए 4-5 बार करने के बाद, और बस जितनी देर करो उतनी देर काम को भूलना, पढ़ाई को भूलना, इतनी देर बस ठाकुर जी में केंद्र, उसके बाद आप करना होगा। मुझे जब भागवत के श्लोक याद नहीं होते तो मैं ऐसे ही करता था, हमारे गुरु जी ने बताया, तो यम नियम आसन प्राणायाम, चौथा हमने पहले सुन लिया, तीसरा है आसन। एक आसन पर बैठने का प्रयास करो, ज्यादा देर तक एक आसन पर, जैसे अभी सुखासन है, सुखासन, मेरुदंड सीधा हो, दोनों पैर पानी तलम आपके जुड़े हो, निश्चित है कि आपका मन बुद्धि कहीं भटकेगा नहीं। अब यहां तो इस आसन की बात नहीं की जाए तो ठीक है, यहां तो सोफासन में बैठे हैं सब लोग सुखासन में या तो व्यास जी बैठे या पंडित जी बैठे या हमारे गंधर्व जन बैठे हैं, बाकी सब तो सोफासन में बैठे हैं। और कई कई लोग तो सोफासन में बैठते हैं, मुझे दिख जाते हैं दूर से ही, और फिर पीछे वाले उनको संभालते हैं, महाराज संभालो, हाँ संभालो, दोनों हाथ लगे हैं, कल सोफे हटवा मत देना आप लोग रहो बैठो। लेकिन कहने का अभिप्राय, एक आसन में ज्यादा देर, ये तो बंधुओं आपको योगा टीचर भी बता देगा, जैसे आप, आपको अगर ये पता करना है कि मेरा मन एकाग्र होता है कि नहीं, तो हमारी कही एक बात करना, आज शाम को नहीं, कल सुबह स्नान आदि के बाद खाली पेट हो ना, तब एक पैर पर खड़े होना, दूसरा पैर ऊपर उठाना, यदि आप बहुत इधर उधर गिरो तो समझना मन एकाग्र नहीं है, लेकिन आप खड़े हो जाओ, हमारा शरीर भी भारी है लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम 4-5 घंटे के लिए ही सही मन एकाग्र रहता है। हमारी एक योगा टीचर थे, उन्होंने बताया था, यदि कोई एक पैर पर ना खड़ा हो पाए, ज्यादा डिसबैलेंस होता हो, तो निश्चित है कि उसकी बुद्धि विकृत रहती है, बहुत विचलित रहती है, बहुत ज्यादा सोचता है, स्थिर रहने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है। आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, और पांचवी चीज क्या करनी है, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि, आहार, शुद्ध आहार। वैष्णव रीति से तो शुद्ध आहार वही है जो ठाकुर जी को भोग लगा के पाया जाए, ठाकुर जी को भोग लगा करके उसका सेवन किया जाए। मेरा ऐसा मानना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पांचों को जो कर लेगा, तीन उसको करने नहीं पड़ेंगे, फिर वो सहज होने लगेंगे। तीन क्या है बचे हुए आसन? ध्यान, धारणा और समाधि। निश्चित है यदि इन पांचों में आप परिपक्व नहीं हो, आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। आंख बंद करके माला जपने बैठोगे तो ठाकुर जी नहीं दिखेंगे, फिल्म के हीरो हीरोइन ही दिखेंगे आपको, संसार की अप्सराएं दिखेंगी, संसार की वस्तुएं दिखेंगी, संसार के भौतिक वस्तु दिखेंगी, बार बार नहीं विश्वास होता तो करके देख लो, आंख बंद करके बहुत देर तक बैठने पर कोई एक स्थिर स्थिति में रहो तो निश्चित है कि पंच भाव में आप स्थिर हो। ध्यान,
अच्छा एक और बात बंधु, कई लोगों का ध्यान बड़ा परिपक्व हो जाता है पर धारणा नहीं कर पाते। धारणा किसे कहते हैं? धारणा का अर्थ जैसे कि आप लास्ट द्वारिका कब गए थे? आपने बताया 2 साल पहले, 1 साल पहले, जो भी आप बता सकते हो उस समय द्वारिकाधीश का श्रृंगार कैसा था, द्वारिकाधीश की पोशाक कैसी थी, द्वारिकाधीश का स्वरूप कैसा था, मुकुट कैसा था, नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि धारणा कच्ची है। ध्यान धारणा जब पुष्ट होती है ना, तो आप एक बार निहारोगे और निहारते ही नेत्र बंद करोगे तो वही छवि चित्त में सदा के लिए बसेगी। जितनी बार आप नेत्र बंद करके द्वारिका का स्मरण करोगे उतनी बार द्वारिकाधीश को लास्ट बार जैसे देखा था वो बार बार अंकित होगा। धारणा, ध्यान, धारणा और फिर अंत में है समाधि। समाधि का अभिप्राय क्या है? समाधि का अभिप्राय सीधा यह है बंधुओं, देहाभिमान की शून्यता। आप अपने देह के अभिमान से शून्य हो जाओगे। आपको यह भी पता नहीं होगा कि आप कौन हो, कितने समय के लिए बैठे हो, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, क्या स्थिति है, इन सब का भी विचार नहीं होगा। समाधि स्थल एक डेढ़ दो तीन घंटे के लिए आप समाधि में रहोगे। यह अष्टांग योग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, मां ये अष्टांग योग है। और इन अष्टांग योगों में भी कुशलता प्राप्त करनी हो तो उसके लिए एक विधा और ठाकुर जी बताते हैं। क्या? मंदिर में जब भी मेरा दर्शन करने के लिए जाओ, आप क्या देखने जाते हो मंदिर में बताओ? द्वारिका जाते हो, नाथ द्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो, क्या देखते हो ठाकुर जी में? दर्शन करना है, क्या दर्शन करना है? प्रेम यदि है तो देखने के लिए गए हमारा प्रेमी कैसा है, लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर क्यों जाते हो? उसके लिए एक विधा समझिए। ठाकुर जी के दर्शन की विधा स्वयं भगवान कपिल बता रहे हैं। बोले मां, मंदिर में आते ही चाहे मेरा कितना भी सुंदर श्रृंगार हो पर जीवात्मा को चाहिए, वैष्णव को चाहिए सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करें, मेरे श्री चरणों का दर्शन करें। अब इसमें यह भाव आता है कई बार मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा, कई मंदिरों में ठाकुर जी के चरण ही नहीं दिखते तो क्या करें? चरण के स्थान पर नेत्रों को रखो और विचार करो ठाकुर जी के चरण कैसे हैं, कैसे चरण हैं। तब भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे चरणारविंदों का दर्शन करो। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्चनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति दर्शन में सबसे पहले मेरे चरणों को देखता है, मां मेरे चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, वो चिन्ह उसके हृदय के विकारों को नष्ट करते हैं और फिर अष्टांग योग में सहायक बनते हैं। इसलिए अष्टांग योग के प्रवर्तक को, मन के एकाग्र करने वाले व्यक्ति को मेरे दर्शन में चरणों को देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात। आइंदा कभी भी मंदिर जाओ सबसे पहले ठाकुर जी के चरण देखो, फिर घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर मुख देखो, फिर मुकुट देखो। इस प्रकार नीचे से ऊपर दर्शन करो। हम आपसे शर्त लगा के कहते हैं आप कभी नहीं भूल पाओगे उस दर्शन को। आपसे जब पूछा जाएगा बताओ श्रीनाथ जी कैसे दिख रहे थे, आप बता दोगे पीतांबरी पहन रखी थी, गले में ऐसी मालाएं थी, मुकुट इस प्रकार था, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे थे, नेत्र ऐसे थे। चरण से मुखमंडल तक के दर्शन में एक प्रकार से ये कह दो तो आपने स्कैन कर लिया ठाकुर जी को, अब वो चित्त में ही रहेंगे सदा। चरणारविंदों का दर्शन, मैया मेरे चरणों में। एक और भाव बताएं बंधु, आप में से जितने भी लोग अपने अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हो, एक बात हमारी मानो, पूरे दिन की सेवा भले ही ना हो, आज हमसे आप कह भी रहे थे कि महाराज जी सुबह उठाने की सेवा तो पुजारी जी करते हैं, सुलाने की सेवा हमारी है। चलो तो एक काम करो, रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन कराओ
आभूषण हल्के कर दो, जैसे हम लोग भी रात में वस्त्र हल्के पहनते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भी आभूषण वस्त्र हल्के, और उसके बाद सुंदर इत्र लेकर के ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। और ये श्लोक का भाव यदि याद रहे तो संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्चनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्सना विराहत महद हृदयांधकारम। और किस भाव से चरणों में इत्र लगाओ, इत्र लगा के फिर थोड़ी देर दबाओ। ठाकुर जी आप पूरे दिन खड़े रहते हो, हम बैठ भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, आप पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो, आपको ये संकोच रहता है ना जाने कब आ जाएगा, कहीं मैं बैठ गया तो चमत्कारी कहकर के भीड़ ना लगा दे, इसलिए ठाकुर जी डर के मारे खड़े ही रहते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का भाव रखो, हम ठाकुर जी चरण दबा देते हैं, थक गए होंगे हाथ दबा दो, चरण दबाओ, उसके बाद ठाकुर जी को शयन के भाव से सामने बिस्तर आदि रख दो, ठाकुर जी अब आप शयन करो। निश्चित मानिएगा इस प्रकार सेवा करते रहोगे, स्वप्न में एक दिन ठाकुर जी शयन करते हुए दर्शन देंगे। दास को तो हुए, रात्रि में ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगाएं, ऐसे भाव रखें, ठाकुर जी आप थक गए होंगे, चरण दबाते दबाते जैसे ही दो चार दिन पांच दिन निकलेंगे ना, स्वप्न में एक दिन ठाकुर जी पौड़े हुए दिखेंगे, सोते हुए दिखेंगे। और अनवरत ये सेवा आपकी बनी रहेगी ना, तो एक दिन निश्चित मानिए आपके संगमरमर के ठाकुर जी हों, अष्ट धातु के हों, अनंत दिनों तक ये सेवा करते रहोगे तो एक दिन जैसे मानव के चरणों को छूने में अनुभव होता है ना, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में भी अनुभव होगा। तो इत्र की सेवा करो ठाकुर जी को, रात्रि चरण दबाओ। सर्दी आ जाएगी थोड़ा ठंडी, आपके अहमदाबाद में पड़ती है कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत पड़ती है, ठंडी हो जाए तो घी की मालिश करो चरणों से, ठाकुर जी आप थक गए होंगे, विराज जाओ। ये सेवा प्रणाली ही, ये वैष्णव प्रणाली ही बंधुओं मन को एकाग्र करती है। वहां 25 तत्व अष्टांग योग ये सब ज्ञानियों का विषय है, वैष्णवों का विषय तो सेवा है, वो सेवा से ही मन एकाग्र कर लेते हैं अपना। इसलिए भगवान ने तीनों विधा बताई, ज्ञानियों की, विरक्तों की और वैष्णवों की। वैष्णवों को क्या करना है, बोले मेरे चरणों का स्मरण करना है, दास बन जाए बस, दासत्व मेरे चरणों का स्वीकार करें, उसी से ही कल्याण हो जाए, उसी से उसका मन एकाग्र हो जाए। इस प्रकार भगवान कपिल यहां बता रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, एक पिताजी की रचना का एक पद है, पिताजी ने ही लिखा, बहुत सुंदर है। मैं बहुत कम गाता हूं कथा में, लेकिन बहुत सुंदर है। आज आपके अहमदाबाद के एक वैष्णव आए, अभी पीछे मुझे दिख रहे हैं, बैठे हैं, उनके भगवत दया से बाहर के चक्षु तो नहीं है पर भीतर के चक्षु हैं। और वो मुझसे कहते हैं, महाराज जी मुझे सब दिखता है, नेत्र मेरे 98 में चले गए लेकिन मुझे फिर भी दिखता है। और वे पीछे ही बैठे, उन्होंने आज बताया, बोले आपकी कथा सुनता हूं, आप जितने भजन गाते हो सब मैं गाता हूं। तो आज उन्होंने यही पद मुझको सुनाया, पिताजी की रचना का। तो मैंने कहा आज कथा में भाव आया तो गाऊंगा, चरणों की बात आई है तो पिताजी के द्वारा रचित ये पद बहुत सुंदर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बंधुओं पिछले 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, और भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1500 से भी अधिक कथाएं की। वे राष्ट्रपति पुरस्कृत होने वाले हैं, सबसे ज्यादा कथा करने वाले व्यास। तो पहले पिताजी लिखते थे और रचनाएं एक डायरी में लिखते थे, लेकिन उस समय की बात है जब पिताजी बस से कथा करने जाते थे, रात्रि में कहीं से कथा करके आए तो बैग उतारा, अर्धरात्रि का समय, अर्ध निद्रा में थे, तो वो डायरी ऊपर ही रह गई बस में, उसमें अनेकों पद पिताजी ने लिखे थे और वो डायरी चली गई। तब से पिताजी फिर ना तो अपनी रचना गाते हैं ना कभी लिखते हैं, पर जब वो रचना करते थे तब गुनगुनाते थे तो हमारी माताजी सुनती थी। तो जब दास कथा करने लगा तो माँ ने एक दो रचनाएं पिताजी की मुझको सुनाई। आज तक पिताजी ने नहीं गाए लेकिन मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। तो जब चरणों के दासत्व की बात आई तो ये भाव पूज्य पिताजी का। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ
तुम्हारा मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शना तेरा पाया। पर जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हम सब जगह ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन कभी खुद में ढूंढा? हमारे भीतर ही विराज रहे हैं। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले श्री राधारमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा। सबरी अहिल्या गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। सबरी अहिल्या गणिका तारी मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा। दास तुम्हारा मुरली बजाने वाले गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। मैं दास हूँ संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम्। पूज्य पिताजी की रचना है, पर उन्होंने कभी नहीं गाया। हमारी माँ ने सुनाया, और वो कब गाते थे? जब वो लिखते थे तब सुन के माँ ने सुनाया। आज भी मैं गाता हूं, वो सुनते हैं तो फिर भावुक हो जाते हैं। पर कितना सुंदर भाव, ये कोई वक्ता ही लिख सकता है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। हम क्यों सीख रहे हैं बंधुओं, क्या सीख रहे हैं कथा से? भगवत मिलन हो, लेकिन बाहर नहीं होगा, खुद में ही होगा। वो सदा हमारे संग हैं, सदा हमारे पास हैं। श्रीमद् भागवत बंधुओं दर्पण हैं। जैसे दर्पण हमारा प्रतिबिंब दिखाती है ना, श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी दर्पण है। इस दर्पण में जब देखोगे तो सदा अपने हृदय में श्री कृष्ण को पाओगे, अपने ही भीतर ठाकुर जी का दर्शन करोगे। ठाकुर जी कहते हैं, मैया आध्यात्मिक स्थिति जिसकी है वो मेरे चरणों का स्मरण करे, उसके सब विकार ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। अब कथा आती है, वैसे तो आगे कल मुझे बोलना चाहिए था, पर आज ही कहूं। प्रहलाद जी के लिए जब भगवान नृसिंह बन करके आ गए, और महाराज नृसिंह रूप देख करके ब्रह्मादि देवता भी भाग गए, लक्ष्मी भी भाग गई, शंकर जी भी घबरा गए, तब प्रहलाद ने जाकर के स्तुति की भगवान की। तो प्रहलाद को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके भगवान बोले, प्रहलाद
एक बात बताओ, लक्ष्मी जी मेरी पत्नी आज डर के मारे चली गई, शंकर जी जो देव पूरे विश्व देवों के भी देव हैं, महादेव हैं, वो भी मेरे रूप को नहीं देख पा रहे, ब्रह्मा जी मुझसे भयभीत हो रहे हैं, 33 कोटि देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि मेरे सामने आ सकें, तुमको मुझे देख करके डर नहीं लग रहा? तुम इतने छोटे से बालक हो, तुमको भय क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी का उत्तर सुनकर के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद जी बोले, भगवान मैंने पहले से ही विचार किया था कि जब आप प्रकट होंगे ना तो मैं सबसे पहले चरण देखूंगा, जब चरणों से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, फिर उसके बाद उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर मुख देखूंगा, परंतु नाथ आप जब से प्रकट हुए हो ना मेरी दृष्टि आपके चरणों से हटी नहीं रही है, ये चरण ही इतने प्यारे हैं आपके, जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं आप भयभीत लग रहे हो, नाथ मैं तो आपके चरणों को देख रहा हूं। कहने का भाव क्या है, जो निरंतर ठाकुर जी के चरणार विंदों में चित्त वृत्ति रखता है, संसार की कोई भयावह वस्तु उसको भयभीत नहीं कर सकती कभी। देखने में हमको, सुनने में साधारण चरण लगते हैं, लेकिन बंधुओं साधारण चरण नहीं है, सदा लक्ष्मी को कभी भी किसी मंदिर में दर्शन करोगे चरणों में ही बैठी रहती भगवान के। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अष्टांग योग 25 तत्व आदि आदि मैया सब एक तरफ और मेरे चरणों का आश्रय एक तरफ। ज्ञानी विरक्ति उनके मार्ग पर जाए, लेकिन वैष्णव तो इस मार्ग का अनुगामी बने, मेरे चरणों से प्रेम करें। इस प्रकार भगवान कपिल उत्तर दे रहे हैं। माता देवभूति ने आगे प्रश्न किया, भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उन भक्तों के लक्षण कितने होते हैं, और आपको उन भक्तों में सबसे प्रिय कौन से होते हैं? भगवान कहते हैं, मैया मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। इन 4 भक्तों के भी 2-2 लक्षण हैं, परंतु मैया वो तो मैं कल सुबह 9 बजे से सुनाऊंगा आपको, तो इसलिए कल बंधुओं कथा का विश्राम है। कल कथा में कृष्ण जन्म होगा और कल ग्रहण है, इसलिए कथा सुबह 9 बजे होगी, तो आप सब लोग समय का ध्यान रखना, जल्दी कल सब अपने नाश्ता पानी करके 8:30 बजे यहाँ विराजमान हो जाना। धूप रहती है, सुबह थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम समय से कथा प्रारंभ करके समय से पूर्ण कर देंगे, उसी भाव से कल कथा का क्रम रखा जाएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री मन्नारायण, जय श्री मन्नारायण। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी प्यारो भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, हो गिरधारी प्यारो जो मुकुंद माधव।
ताल बजा के गाओ। भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी, भजो माधव केशव गिरधारी। जय जय अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमय आरती करें। आरती पावन पुराण की, आरती पावन पुराण की, धर्म